Okay, आफ्टरनून आफ्टरनून गुड आफ्टरनून. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी इस सेशन को. चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि हाइड्रोलिक्स मशीन का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग एक दो क्लासेस में और जो है वो बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? तो एक हाइड्रोलिक्स मशीन की मैंने मैराथन क्लास आपकी ले ली थी 6 आवर की, जिसमें हम लोगों ने पेल्टन टरबाइन तक सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था. क्लियर? तो पेल्टन टरबाइन के बाद जो आपका बचा हुआ है वो आपकी ओल्ड फ्रांसिस कैपलॉन एंड आपके जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, जैसे आपका स्पेसिफिक स्पीड हो गया, रनवे स्पीड हो गया, या आपका मॉडल टू प्रोटोटाइप एनालिसिस हो गया, यानी सिमिलिट्यूड जो अपन हाइड्रोलिक्स मशीन में पढ़ते हैं, देन फिर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑपरेटिंग डायग्राम्स होते हैं वो हो गया, एंड फिर लास्ट में आपका जो मिक्स्ड फ्लो टरबाइन यानी मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन होती है वो बचा हुआ है. तो उसके लिए एक क्लास जो है वो और हम लोग अभी प्लान करेंगे, एक क्लास और, यानी 3 से 4 घंटे की क्लास एक और ले लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आज अभी जो क्लास है ये आपकी जो है वो हाइड्रोलिक पंप की क्लास है. क्लियर? तो हाइड्रोलिक पंप में मेनली जो गेट में पूछा जाता है, या आप अगर ईएससी का भी पेपर देखोगे तो मेनली जो सिलेबस है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का है. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप अपन पूरा बाइंड अप करेंगे प्रॉपर तरीके से. रेसिप्रोकेटिंग बाद में देखेंगे कितना टाइम अपने को मिल रहा है, तो अगर टाइम मिलेगा तो अपन रेसिप्रोकेटिंग भी कर लेंगे, और नहीं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो मैंने इसी चैनल पे करवा रखा है 1.5 से 2 घंटे जितना एग्जाम में आता है, तो वो आप पुराना लेक्चर जो है वो देख सकते हो. क्लियर? रेसिप्रोकेटिंग मैंने इसी चैनल पे करवा रखा है. वैसे मैंने करवा तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी दिया है स्पेशल क्लास में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. क्लियर? बट अभी मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप एक बार फिर से करवा दे रहा हूँ, ये कुछ बच्चों का छूट गया था, तो लाइव क्लास में जो है अभी आप जुड़ के उन चीजों को समझ सकते हो और थोड़ा फील कर सकते हो. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को विद वन स्मॉल एंड मेजर इंफॉर्मेशन. तो अभी जैसे एन अकेडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? जैसे ये आपका जो पेपर है तो ये आपका जो है 16th of December को 6 PM पे है, तो इसके लिए आप रजिस्टर्ड कर दीजिएगा. अभी मैं इसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में अभी आपको मेंशन कर दूंगा, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. क्लियर? और यहाँ पर आपको कई सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस में मिल रहे हैं. क्लियर? अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर पोजिशन या फोर्थ पोजिशन सिक्योर करते हो और मजा भी आएगा. क्लियर? तो आज से टेस्ट पेपर दोगे और इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपको डिजाइन करके दिए जा रहे हैं. क्लियर? तो और साथ में उनका जो है वो डिटेल सोल्यूशन भी दिया जाएगा, वीडियो सोल्यूशन जो है. तो एडवांटेज है, आपको कुछ नया सीखने को यहाँ मिलेगा, आपको प्राइज भी यहाँ पर दिया जा रहा है. क्लियर? तो इसको आप जो है वो एनरोल कर दीजिएगा, और जो आपका एनरोलमेंट है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने इस सेशन को जल्दी से फटाफट, बाकी लोग फिर धीरे धीरे आते रहेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पे, एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी. चलिए जस्ट वेट 1 मिनट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट अपने इस सेशन को. सी हियर इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माय टीचिंग करियर एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन. Myself Amit Maurya and I am teaching from last 7+ years in the field of GATE and ISC. And अगर देखा जाए तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था IIT बॉम्बे से, और वहां की जो मेन कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग से, विद टॉप CGPA 9.2 आउट ऑफ द स्केल ऑफ द 10 एंड क्वालिफाई GATE 2 times. एक बार बीटेक थर्ड ईयर 2011 में और एक बार बीटेक फाइनल ईयर 2012 में. क्लियर? एंड पब्लिश बाय टॉप लेवल रिसर्च पेपर इन थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग TFA डिपार्टमेंट में, और साथ में कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी जैसे मैंने दिया है. तो एक पेपर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया था जस्ट टॉपिक बताने के लिए. तो मैं टॉपिक जो था ये ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर था. अच्छा, अगर कुछ बफरिंग या नेटवर्क का इशू होता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं देखते हुए चल रहा हूँ. ये एक्सपेरिमेंटल एंड थर्मल फ्लूइड साइंस में पब्लिश है और ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च और पब्लिकेशन है. क्लियर? अब देखो, जैसे आप ये यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, वैसे आप अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर क्लास लेते हैं उनकी जो स्पेशल क्लासेस है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो एंड उनको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो. तो ये भी आपके पास जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी है. एंड
स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको एक रेफरल कोड चाहिए होगा, तो यू कैन यूज SPAM01। क्लियर? इस रेफरल कोड को यूज करके जो है वो आप जो है फ्री क्लासेस को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो आपको सर्च करना है वहां अमित कुमार और मुझे फॉलो कर लेना। तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो तो आपके पास जो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन होता है या मैसेज एंड मेल के थ्रू आपको डिलीवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो 10 टू 15 मिनट पहले अगर आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आ जाता है तो चांसेस हैं कि अगर आप नोटिस करते हो तो आपको जो है क्लासेस आपकी लाइव मिस नहीं होती हैं, और अगर आप लाइव क्लास में जुड़ते हो तो आपका जो इंथुजियाज्म या जो समझने का जो वे है वो थोड़ा बढ़ जाता है। क्लियर? क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा सा फ्रीडम हो जाता है। आप लाइव क्लास में जुड़ते हो, कोई कहीं पर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर? तो उसको उसी समय अपन जो है वो समझ के देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहता है लाइव क्लास में जुड़ने का। अब देखो अगर आप सब्सक्रिप्शन यानी प्लस के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है वो डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है। डेली लाइव क्लासेस आपको, और लाइव क्लासेस ऐसे आपको हर एक 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन मिलेगा। हर एक वीक में आपका टेस्ट पेपर होगा, देन लास्ट में आपका मेगा टेस्ट पेपर होगा, एंड साथ में आपको स्ट्रक्चर वे में पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देने की अपॉर्चुनिटी है, साथ में अनलिमिटेड कोर्स को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। अनलिमिटेड कोर्स को भूलिएगा मन नहीं, अनलिमिटेड कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन हो और चाहे वो आपके लाइव सेशन हो। तो ये आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आप आइकॉनिक के लिए प्लान करते हो तो आइकॉनिक में आपको जो एक पर्सनल टीचर या मेंटर अलॉट किया जाता है, जो थ्रू आउट कंप्लीट प्रिपरेशन आपको गाइड करते चलते हैं कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बताते हुए चलते हैं। क्लियर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संजय। क्लियर? और साथ में मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस और जितने प्लस के बेनिफिट है वो सभी बेनिफिट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम बाउंडेड प्लान है। बेटर होगा अगर आप 24 मंथ के लिए प्लान करते हो यानी 2 ईयर के लिए, और अगर अफोर्ड नहीं कर पाते तो मिनिमम आप 12 मंथ के लिए प्लान करिए। हर एक सब्सक्रिप्शन पे अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना है इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस ये आपको पे करना पड़ता है। क्लियर? एंड अगर आप आइकॉनिक के लिए प्लान करते हो तो 1 ईयर एंड 2 ईयर का जो आइकॉनिक है ये आपका जो है 1 ईयर का 50,250 का पड़ता है, 2 ईयर का 74,000 का पड़ता है। इस पे भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना है इंक्लूडिंग अगेन ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस ये आपको पे करना पड़ता है। क्लियर? तो ये बेटर ऑप्शन है, आप देख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले टॉपिक को जो है, एंड दैट शुड बी अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी सबसे पहले जो है बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं वो भी जो है वो हम लोग एक बार समझते हैं पहले। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलिक पंप की, क्लियर? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो पंप टॉपिक है यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप है, देखो गेट में क्वेश्चन नो डाउट यहाँ से पूछे जाते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो गेट का क्वेश्चन का जो लेबल है वो बहुत बढ़िया होता है। यानी अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं पंप के। टर्बाइन के लिटिल बिट जो है वो आसान होते हैं, आप कर सकते हो, अंटिल अनलेस जब तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, मतलब फ्रांसिस बिलोफिटी डायग्राम का क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेबल का होता है एज कम्पेयर टू टर्बाइन। अब देखो हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो वर्क कैसे करता है। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हमारा वर्क कैसे करता है, देन सेंट्रीफ्यूगल पंप की हमारी डिजाइन कैसे होती है, डिजाइन मतलब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एंड कंपोनेंट हम वो क्यों यूज करते हैं। जैसे मान लो सपोज डेट आपसे ये बोला जाए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग जो है वो बैकवर्ड कर्वेचर वाली वेन को यूज करते हैं, तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैकवर्ड कर्वेचर वेन को ही क्यों प्रेफर करते हैं, जैसे टर्बाइन में फॉरवर्ड कर्वेचर वेन लगाई जाती है तो यहाँ पर बैकवर्ड क्यों यूज करते हैं। क्लियर? या और जैसे कंपोनेंट होते हैं आपका, जैसे स्ट्रेनर हो गया, स्ट्रेनर होता है जैसे हम गांव में जाली बोलते हैं, पोरस पाइप जो हमारा होता है, तो स्ट्रेनर हम लोग क्यों यूज करते हैं। या जैसे बोला जाए फुट स्ट्रिप वॉल्व होती है, फुट स्ट्रिप वॉल्व अगर कोई गांव साइड का होगा तो उसको ये सारी चीजें बहुत सही से समझ में आएंगी, जो आपका घरों का ट्यूबवेल होता है। क्लियर? तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें विजुलाइज होती हुई चलेंगी, और अगर नहीं भी गांव साइड से आप हो, आपने कभी ट्यूबवेल नहीं देखा है तब भी आपको समझ में आएगा, पेशेंस रखना बस। तो फुट स्ट्रिप वॉल हमारी कैसे वर्क करती है, फुट स्ट्रिप वॉल का हाइड्रोलिक फंक्शन हमारा क्या होता है, या मे बी आपने देखा होगा जैसे गांव साइड में क्या होता है
कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसमें वाटर की फिलिंग करते हैं, क्लियर? हाँ शुभम, रिमेनिंग अभी एक क्लास में और लूंगा, अभी पंप के बाद जो है एक क्लास और ले लूंगा, इसी वीक में लूंगा, मैंने वो सेशन के स्टार्टिंग में बता दिया है, 3 से 4 घंटे की क्लास अभी एक और लूंगा जिसमें ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन, कैपलॉन टर्बाइन, एनएस यानी स्पेसिफिक स्पीड, मॉडल टू प्रोटोटाइप, सिमिलिट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिट क्वांटिटीज, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑपरेटिंग डायग्राम ऑफ टर्बाइन, एंड आपके लास्ट में जो है वो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन यानी जिसमें मिक्स ऑफ फ्लो होता है, तो वो अभी हम करवाएंगे, क्लियर? आज हम लोग पंप देख लेते हैं। तो मे बी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे घरों में हम क्या करते हैं, जब पंप को ऑपरेट करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं, तो रन करने से पहले हम उसकी वाटर से फिलिंग करते हैं, पूरी केसिंग को हम वाटर से भर देते हैं, क्लियर? जिसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग प्राइमिंग मेथड बोलते हैं, प्राइमिंग बोला जाता है, प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लियर? या प्राइमिंग ऑफ द पंप। तो प्राइमिंग का मेजर पर्पज क्या होता है, या आपने मे भी देखा होगा घरों में जो आपके ये हैंड पंप होते हैं, घरों में जो आपके हैंड पंप होते हैं समर के डेज में, समर के डेज में जब आपका सम्प लेवल नीचे चला जाता है, अब ये सम्प लेवल क्या होता है ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं ये भी हम समझेंगे। तो जब वाटर का लेवल या सम्प लेवल जब नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो जो आपका घरों का पंप होता है, जो रेसिप्रोकेटिंग नेचर का होता है, जो आपका घर का हैंड पंप होता है वो सेट रेसिप्रोकेटिंग नेचर का होता है, रेसिप्रोकेटिंग, तो उसमें हम लोग जो है जब वो वाटर को लिफ्ट नहीं कर पाता है तो उसके अंदर हम वाटर की फिलिंग करते हैं। आपने देखा होगा पहले वाटर हम डालते हैं और चलाते रहते हैं, उसको हम प्रेस करते रहते हैं और वाटर भरते रहते हैं, दैट शुड नोन एज अ प्राइमिंग मेथड। उसके बाद वो वाटर को क्या करने लगता है, लिफ्ट कर लेता है, और जस्ट उसके बाद फिर वो ऑपरेशनल में आ जाता है, फंक्शनल कंडीशन में आपको वो जो है वो दिखने लगता है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्लियर? इसका मेजर पर्पज हमारा क्या होता है, तो दैट नोन एज अ प्राइमिंग मेथड। तो प्राइमिंग मेथड भी हम लोग समझेंगे, एंड देन फिर होता है कि जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट हेड होते हैं। अब देखो जैसे आपका मैनोमेट्रिक हेड होता है, तो मैनोमेट्रिक हेड का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, उसको हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि मैनोमेट्रिक हेड हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, या आपका एवलर हेड हमारा क्या होता है, या जिसको हम इम्पेलर हेड बोलते हैं, क्लियर? इम्पेलर हेड हो गया, एवलर हेड हो गया, या स्टैटिक हेड हमें क्या मिलेगा पंप से, क्लियर? तो वेरियस टाइप आपके आपके हेड हो गए, देन आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी होती है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गई, ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई, क्लियर? या आपके वेरियस टाइप ऑफ जो लॉसेस होती हैं, लॉसेस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे पंप में वो हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। एंड देन फिर आता है कि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड हमें कितनी प्रेफर करनी पड़ेगी, टर्बाइन की जो है वो मिनिमम पंप के मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए जिसमें वो वाटर को क्या कर ले, लिफ्ट कर दे और वाटर को डिलीवर करना स्टार्ट कर दे, क्लियर? तो वो अपने को समझना है, क्लियर? उसके बाद फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम सक्शन हेड का, मैक्सिमम सक्शन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम सक्शन हेड हम कितना क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है कि अवेलेबल क्या है, डिजायर्ड क्या है, होना क्या चाहिए, क्लियर? तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को जो है वो यहाँ पर समझना है, और लास्ट में फिर अपने को एनएस देखना है, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पैरेलल में हम लोग कब कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कब कनेक्ट करेंगे। जैसे आपकी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखा होगा, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो है पंप को हम सीरीज एंड पैरेलल में रखते हैं, तो सीरीज एंड पैरेलल में हम क्यों रखते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है, तो वो सारी चीजें अपने को क्या करना है यहाँ पर समझना है, और लास्ट हम बाइंड अप करेंगे फिर टॉपिक को मॉडल टू प्रोटोटाइप पंप में यानी सिमिलिट्यूड एनालिसिस जो होते हैं, क्लियर? और कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑपरेटिंग डायग्राम्स होते हैं वो भी हम लोग समझते हुए चलेंगे, क्लियर? तो ये पूरा का पूरा अपना 3 to 4 hour का जर्नी रहेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो शुरू करते हैं बढ़िया आराम से। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें पंप की, तो पहली क्लास में मैराथन क्लास में भी मैंने पंप के बारे में बताया था कि जो हमारा पंप होता है ये एक हमारा नेगेटिव डिवाइस होता है, एक तरह की हाइड्रोलिक्स मशीन है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव डिवाइस होता है। नेगेटिव इन द सेंस ऐसे कि यहाँ पर हम पावर इनपुट देते हैं और अपने को डिजायर्ड जो है इफेक्ट वो यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। डिजायर्ड क्या होता है कि हम वाटर को एक एलिवेशन से उठाएं और दूसरे एलिवेशन तक पहुंचा दें, यानी कहने का मतलब ये है जैसे घरों में क्या होता है कि वाटर को हम अंडरग्राउंड लेवल से उठाते हैं, अंडरग्राउंड यानी जहां पर हमारा सम्प लेवल होता है, और पानी की टंकी में उसे हमें भरना होता है। तो ग्राउंड से हमने वाटर को लिफ्ट किया और पानी की टंकी तक हमने उसको पहुंचा दिया,
सम्प लेवल से डिलीवरी लेवल तक वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर के हेड को रेज करते हैं। तो यहां पर जब हम वाटर के हेड को रेज करते हैं यानी उसके पोटेंशियल एनर्जी को जब बढ़ाते हैं तो वाटर में पावर को हम सप्लाई करते हैं, और वाटर में पावर को सप्लाई करना है तो पंप को पावर आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और पंप को जब हम पावर देते हैं, क्लियर, तो ये जो हमारा डिवाइस है, ये हमारा जो है वो नेगेटिव उसकी कैटेगरी में हमारा ये आता है, क्लियर, नेगेटिव मशीन की कैटेगरी में ये हमारा आता है। तो यहां पर कैसे होता है वो थोड़ा सा हम लोग जो है वो समझते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पंप होता है, पहला पंप, दो पंप हमारे होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग, क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो मेनली यूज करते हैं वो हम लोग जो है जहां पर अपने को हाई डिस्चार्ज यानी लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट जहां पर होता है वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं विद अ लो हेड। हेड की रिक्वायरमेंट कम होती है और डिस्चार्ज का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, यानी ज्यादा वॉल्यूम हमें हैंडल करना होता है लेकिन हेड जो है वो हमें स्मॉल डेवलप करना अगर है तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्रेफर करते हैं। और फ्लूइड अगर थोड़ा बहुत जो है विस्कस है, जैसे मान लो अपने को क्रूड ऑयल को डील करना है, क्रूड ऑयल जो है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो उसमें जो है इंप्योरिटीज होती है तो विस्कस होता है, विस्कस नेचर का होता है। तो अगर क्रूड ऑयल है तो हम वहां पर मेनली जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्लियर। अगर आपका फिल्टर है तो हम लोग मे बी रेसिप्रोकेटिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल अगर है तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो अगर हम बात करें मान लो पहले पंप की, अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो कैसे होता है समझते हैं, बढ़िया आराम से समझते हैं, जल्दबाजी नहीं है। मान लो पहले पंप की अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन। आपने मे बी FM में पढ़ा होगा फ्री एंड फोर्स्ड वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये वर्क करता है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स, क्लियर, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल नेचर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर मेनली जो फोर्स जो लिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्लियर। तो होता कैसे है प्रॉपर तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपको फ्री एंड फोर्स्ड वर्टेक्स में पढ़ाया था कि मान लो हमारा जो है एक कोई सिलेंडर है या कंटेनर है, मान लो कोई एक सिलेंडर है या कंटेनर है, और इस सिलेंडर या कंटेनर में हमने जो है वो वाटर या लिक्विड को फिल्ड कर दिया, और ये आपके जो है वो सेंट्रल एक्सिस हो गई, और इसमें हमने कुछ हाइट तक जो है मान लो सपोज दैट वाटर को फिल कर दिया, कुछ हाइट तक जो है मान लो वाटर को फिल कर दिया, और इनिशियल ये जो हाइट है ये मान लो सपोज दैट एच नॉट हाइट तक हम लोगों ने वाटर को यहां पर फिल कर दिया। इस टैंक में हम लोगों ने वाटर को जो है वो एच नॉट हाइट तक फिल कर दिया, और बढ़िया आराम से समझते हुए चलिएगा फंक्शनिंग जो होती है। और ये हमारी जो है वो रोटेशनल एक्सेस होती है, क्लियर, ये हमारी जो है मान लो सपोज दैट रोटेशनल एक्सेस है, रोटेशनल एक्सेस है, और फ्लूइड जो है इस अपनी एक्सेस के अबाउट जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और ओमेगा जो यहां पर हम लोग प्रेफर करते हैं ये कांस्टेंट है, क्लियर, ओमेगा जो हम लोग यहां पर प्रेफर करते हैं ये कांस्टेंट है। अब देखो जब भी हम इसको इसकी सेंट्रल एक्सेस के अबाउट जो है रोटेट करवाते हैं, जब भी हम इसको इसके सेंट्रल एक्सेस के अबाउट रोटेट करवाते हैं, तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया भी था कोई भी आप एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल ले लो, मान लो कोई एक हैप्पी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये हैप्पी मॉलिक्यूल है ए। अब इस हैप्पी मॉलिक्यूल पे अगर हम देखें तो बाहर की तरफ जो है सेंटर से दूर बाहर की तरफ जो है एक फोर्स लगेगा, क्लियर, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मान लो सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर, इस पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, और इस फोर्स की वजह से जो है फ्लूइड बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सर हम घरों में जो है जो आपका हैंड पंप होता है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग, क्लियर, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, और जो घरों में हम लोग खेत वेत में यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल, देवेंद्र, क्लियर, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल। प्लीज जिसका भी डाउट है
कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हुए चलिएगा, डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हुए चलिएगा, डाउट आपका मिस नहीं होना चाहिए, डाउट जो है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर होता क्या है कि जैसे ही आप फ्लूइड को जो है उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाओगे, तो रोटेशन की वजह से क्या होगा, फ्लूइड मॉलिक्यूल पे बाहर की तरफ एक फोर्स डेवलप होगा और इस फोर्स की वजह से फ्लूइड जो है वो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो आप एक स्टोन या एक पत्थर को जो है एक स्ट्रिंग में बांधो और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करवाओ, तो स्टोन की जो टेंडेंसी होती है वो रोटेशन पॉइंट से दूर जाने की होती है, यानी स्ट्रिंग आपकी टाइट रहती है, कभी स्ट्रिंग में आपको स्लैक नहीं मिलेगा, क्लियर। तो वहां पर आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रिंग जो है वो बाहर जाने की कोशिश करती है, बाहर जाने की मतलब स्टोन, तो बाहर की तरफ फोर्स आएगा। तो यहां पर जब बाहर की तरफ फोर्स आएगा तो सरफेस पे फ्लूइड का राइज होगा और सेंटर पॉइंट पे जो है वो फ्लूइड का फॉल देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो कर्वेचर डेवलप होगा वो कुछ ऐसे कर्वेचर जो है वो डेवलप होगा, ऐसे जो है वो कर्वेचर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, सेंटर पे फॉल करेगा, सरफेस पे जो है वो राइज करेगा, क्लियर। सेंटर पे फॉल करेगा और सरफेस पे जो है वो राइज करेगा, ये फाइनल शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये फाइनल शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये फाइनल शेप आपको यहां पर देखने को मिलेगा, क्लियर। तो यहां पर ये राइज हो गया, क्लियर, और सेंटर पॉइंट पे फॉल हो गया। अब देखो अगर हम इनिशियल के रेस्पेक्ट में बात करें तो जब हमने रोटेट नहीं करवाया है तो मान लो ये पॉइंट अपना ए है और ये पॉइंट अपना बी है, तो अगर हम आपसे पूछें बिफोर आर रोटेशन, बिफोर आर रोटेशन यानी रोटेशन से पहले, बिफोर आर रोटेशन, जब हमने रोटेशन नहीं दिया है तब की बात मैं कर रहा हूं, तो तब अगर बात करोगे तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा आपका, अगर मैं गेज की बात करूं गेज की, तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा या टोटल प्रेशर मैं देख लेता हूं, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी एटीएम और प्लस का जो है वो रो जी एच नॉट, ये होगा जब रोटेशन नहीं दिया है। और बी पॉइंट पे भी अगर आप प्रेशर निकालोगे बिफोर रोटेशन, तो बी पॉइंट पे भी जो आपका प्रेशर होगा ये हो जाएगा पी एटीएम प्लस का जो है वो रो जी एच आर नॉट, ये प्रेशर होगा, दोनों पे सेम प्रेशर होगा। और जैसे ही आपने रोटेशन किया यानी आफ्टर अ रोटेशन, आफ्टर रोटेशन यानी जब आपने रोटेशन करवा दिया, तो रोटेशन के बाद क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर द रोटेशन, रोटेशन के बाद क्या होगा, तो रोटेशन के बाद मान लो यहां पर जो है ये डेल्टा एच नीचे आया और इधर जो है वो डेल्टा एच ये ऊपर गया, डेल्टा एच ऊपर गया, क्लियर। तो अगर आप यहां पर देखोगे अब यहां पर हाइट बढ़ गई, बी पॉइंट पे हाइट बढ़ जाएगी, तो अब ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा यानी पी ए डैश जो होगा ये हो जाएगा P ऑफ एटीएम एंड प्लस का रो जी, वह हाइट कम हो गई तो ये H नॉट माइनस का जो है वो डेल्टा H हो जाएगा। और B पॉइंट पे जो प्रेशर आपका बनेगा, B पॉइंट पे जो प्रेशर बनेगा पी बी डैश, ये हो जाएगा P ऑफ एटीएम और प्लस का जो है वो रो जी, रो जी और H नॉट प्लस का जो है वो डेल्टा H हो जाएगा, एच नॉट प्लस का डेल्टा एच हो जाएगा, एच नॉट प्लस का डेल्टा एच हो जाएगा, क्लियर। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो जब रोटेशन नहीं किया उससे पहले अगर आप देखोगे और उसके बाद, जैसे आपने रोटेशन किया तो देखो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया पहले के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, पहले के रेस्पेक्ट में, और बी पॉइंट पे पहले के रेस्पेक्ट में प्रेशर जो है वो बढ़ गया आफ्टर द रोटेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि ए पॉइंट पे जो है वो पहले के रेस्पेक्ट में वैक्यूम क्रिएट होने लगा, अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होने लगा, और बी पॉइंट पे पहले के रेस्पेक्ट में अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे तो यहां पर जो है दोस्त गेज डेवलप होगा। ए पॉइंट पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, बी पॉइंट पे गेज क्रिएट हो रहा है, ए पे जो है वो वैक्यूम और बी पे गेज, क्लियर। अब देखो ए पॉइंट पे जो है हम लोग ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे सक्शन पाइप को, और सक्शन पाइप अपना कनेक्टेड होगा सम्प लेवल से,
और बी पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, यहां पर हम कनेक्ट करेंगे डिलीवरी पाइप से, डिलीवरी पाइप, और ये कनेक्ट होगा डिलीवरी लेवल पे, ये डिलीवर जहां पर करवाना है उससे ये कनेक्टेड होगा, क्लियर। ये कनेक्टेड होगा सम्प लेवल से, ये कनेक्टेड होगा डिलीवरी पॉइंट से, और ये होता है वेन का इनलेट और ये होता है वेन का एक्सिट, क्लियर। तो होगा क्या कि अब देखो ए पॉइंट पे या वेन के इनलेट पे जो है वो प्रेशर आपका कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो सम्प लेवल पे प्रेशर ज्यादा है तो फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर राइज करना शुरू कर देगा, तो सम्प जो आपका सक्शन पाइप होता है उसमें फ्लूइड एक्सेलरेट करेगा और सम्प लेवल से वेन के इनलेट, जिसको हम इंपेलर का इनलेट भी बोलते हैं या जिस पॉइंट को हम आई ऑफ द इंपेलर भी नाम देते हैं, तो इंपेलर की आई तक जो है, आई तक जो है वो फ्लूइड हमारा सम्प लेवल से लिफ्ट होके पहुंचेगा। उसके बाद इंपेलर की जो ब्लेड है यानी बैकवर्ड कर्वेचर वाली जो वेन है उनसे आप फ्लूइड को रोटेट करवाओगे और रोटेट करवा के फ्लूइड को बाहर की तरफ भेज दोगे। यहां पर देखो जैसे ये सेंटर पॉइंट हो गया, फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर एक तो रेडियल है और रेडियल भी कैसा, रेडियल आउटवर्ड मोशन होता है। मैंने आपको बताया था जब टर्बाइन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो फ्रांसिस होती है उसमें रेडियल इनवर्ड मोशन होता है, सेंटर की तरफ फ्लूइड अप्रोच करता है, सेंटर पॉइंट की तरफ रोटेशनल एक्सेस जो होती है उसकी तरफ फ्लूइड हमारा आता है। तो जब भी कभी फ्लूइड हमारा रोटेशनल एक्सेस की तरफ आएगा तो वहां पर रेडियल इनवर्ड मोशन होगा, और जब हमारा एक्सिस से दूर जाएगा तो हमारा रेडियल आउटवर्ड मोशन होगा, रेडियल आउटवर्ड, क्लियर। और साथ में फ्रांसिस में मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस के एग्जिट पॉइंट पे जो है वो बिना वर्लिंग के फ्लूइड बाहर निकलता है, वर्ल नहीं होता है, यानी अगर एग्जिट पे देखोगे तो वर्ल नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा। देखो अगर फ्रांसिस टर्बाइन में एग्जिट पे रोटेशन आपको देखने को मिला तो फ्लूइड ड्राफ्ट ट्यूब में फॉल नहीं कर पाएगा, वहां पर ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। जैसे मान लो आप बोतल का कैप खोलो और बोतल के कैप जैसे आप ओपन करते हो तो इनलेट पे जैसे ऐसे ऐसे रोटेट करे फ्लूइड तो नीचे फॉल नहीं करेगा, तो अगर उसको नीचे फॉल करना है तो वहां पर रोटेशन आपको जीरो करना पड़ेगा, क्लियर। अगर एंगुलर मोशन होना स्टार्ट हो गया तो फिर कंटिन्यूअसली स्मूथ वे में वाटर नीचे फ्लो नहीं कर पाएगा, यह आप विजुलाइज कर सकते हो, क्लियर। तो ऐसा अगर होगा तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, इसीलिए हमारा जो है बिल्कुल बिल्कुल गेट के सिलेबस में है। कैसी बात करते हो, गेट में सेंट्रीफ्यूगल पंप है और क्वेश्चन भी बढ़िया पूछा जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। टर्बाइन के रेस्पेक्ट में मैंने पहले भी बोला है सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो क्वेश्चन होता है वो एक लेवल का क्वेश्चन होता है, मतलब आप ये बोल सकते हो डिफिकल्टी लेवल को कि जो पंप का क्वेश्चन आता है गेट में वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू टर्बाइन। हाँ, रेसिप्रोकेटिंग पंप गेट में नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग नहीं है, मेंशन नहीं है, मे बी कभी पूछा जा सकता है, मे बी, बट है नहीं, पूछा नहीं गया अभी तक, क्लियर। तो जो रोटेशन हमारा होता है, अगर आपका टर्बाइन देखोगे टर्बाइन के एग्जिट पे फ्लूइड रोटेट नहीं करता है, यानी आपका फ्रांसिस टर्बाइन में एग्जिट पे या ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे जो रोटेशन यानी वेल्डिंग जो होती है वो जीरो होती है। सिमिलरली पंप के केस में पंप के इनलेट पॉइंट पे, ब्लेड के इनलेट पे रोटेशन नहीं होना चाहिए, कैसे मैं बताता हूं, देखो बताते हैं, आराम से बताते हैं। देखो जैसे ऐसे कुछ होता है, जैसे मान लो सपोज डेट ये अपना शाफ्ट हो गया और इस पे ये अपना रोटर होता है जिसको हम लोग इंपेलर बोलते हैं, क्लियर। यहां रोटर को हम लोग इंपेलर बोलते हैं, तो मान लो ये शाफ्ट है, ये आपका रोटर है, पंप के केस में इंपेलर नाम देते हैं, टर्बाइन के केस में इसको हम रनर बोलते हैं, टर्बाइन के केस में इसको हम रनर बोलते हैं। तो यहां पर जो है ऐसे ये हमारी बकेट होती है, मान लो ये हमारी जो है वो बकेट है। अभी डायग्राम पूरा देखेंगे डिटेल में, बढ़िया, क्लियर। डायग्राम अभी हम डिटेल में देखेंगे, मान लो ये आपकी जो है वो बकेट है, ऐसे आपकी वेन लगी होंगी, जैसे ऐसे हमारी ये जो है ये वेन लगी होंगी, ये हमारी जो है वो वेन होंगी, क्लियर। ये हमारी यहां पर जो है वो बकेट लगी होंगी, जैसे आप देखोगे तो
ये हमारी जो बकेट होती है ये यहां पर जो हमारी ये बकेट है, क्लियर। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, क्लियर, तो जैसे ये जो है जब इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, मान लो इस डायरेक्शन में जब ये रोटेट करेगा, ऐसे जब ये रोटेट करेगा, रोटेट जब ये करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्लियर, मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आप फ्लूइड जो है वो इस वाले कर्वेचर पे आएगा, इस वाले कर्वेचर पे जो है वो फ्लूइड आएगा, जो कि हमारा बैकवर्ड कर्वेचर होता है, इस वाले कर्वेचर पे जो है वो फ्लूइड आएगा, इस वाले कर्वेचर पे फ्लूइड आएगा, क्लियर। तो जैसे ये वाला फेस अगर आप देखोगे तो ये फॉरवर्ड फेस होता है, बाकी ये एंगल से भी डिसाइड होता है, एंगल से भी डिसाइड होता है, वो भी हम बताएंगे अभी। ये फॉरवर्ड फेस आपका है, जैसे ये आपका फॉरवर्ड फेस है, और ये पीछे वाला जो है ये आपका बैकवर्ड फेस है, ये अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है वो अब बैकवर्ड अब फेस है, क्लियर, ये आपका जो है वो बैकवर्ड फेस है। तो पंप के केस में जो है ये बैकवर्ड फेस में रहता है वाटर, और यहां पर इस रोटर को हम लोग बोलते हैं इम्पेलर, रोटर को हम लोग यहां पर नाम देते हैं, ये जो अपना है ये इम्पेलर होता है, इम्पेलर, क्लियर, रोटर को यहाँ इम्पेलर बोलते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, जैसे ये पॉइंट आपका इनलेट पॉइंट होता है, यानी ये हमारा वन पॉइंट हो जाएगा इनलेट, और ये पॉइंट जो है वो आपका एग्जिट पॉइंट होता है, जिसको हम लोग जो है वो टू बोलेंगे, टू पॉइंट है ये, एग्जिट पॉइंट है, क्लियर, ये अपना टू पॉइंट है, यानी एग्जिट पॉइंट होता है एग्जिट। तो यहां पर होता क्या है, देखो फ्लूइड हमारा जो है यहां से निकल के इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो फ्लो होगा वो रेडियल है, पहली बात तो जो है वो रेडियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है पंप में, और रेडियल के साथ साथ जो है वो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, क्लियर, रेडियल होने के साथ साथ जो है ये आउटवर्ड हो रहा है, क्लियर, ये आउटवर्ड अफ्लो हो रहा है, आउटवर्ड अफ्लो हो रहा है, रेडियल होने के साथ साथ ये आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, आउटवर्ड, क्लियर। और देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये जो इनलेट पॉइंट होता है, इनलेट पॉइंट, यहां पर वर्लिंग नहीं होनी चाहिए, यानी अगर यहां पर जैसे ऐसे बकेट है, मान लो ये, जैसे ये मान लो ऐसे बकेट है, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई है, थोड़ा छोटी कर लेते हैं इसको, मान लो ये ऐसे अपनी कोई बकेट है, मान लो ऐसे ये अपनी बकेट है, क्लियर, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे, क्लियर, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो फ्लूइड को जो है वो ऐसे आगे की तरफ मूव करना है, यानी बैकवर्ड सरफेस पे फ्लूइड को जो है वो ऐसे यहां पर मूव करना है, और यहां पर अगर वर्लिंग शुरू हो गई, मान लो यहां पर फ्लूइड ऐसे रोटेट होने लगे, रोटेट होता हुआ जो है वो सक्शन पाइप से स्ट्राइक करे, यहां पर अगर फ्लूइड का रोटेशन हुआ, तो रोटेशन होगा तो प्रॉपर वे में जो है फ्लूइड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो ये बोला जाता है कि इनलेट पे जो वर्ल्ड होनी चाहिए, यानी VW1 जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप यहां पर देखोगे तो पहला कंडीशन ये है कि रेडियल फ्लो होता है, और दूसरा है कि आउटवर्ड फ्लो होता है, और थर्ड जो यहाँ पर पॉइंट होता है सेंट्रीफ्यूगल के लिए वो ये है कि जीरो वर्ल्ड होनी चाहिए एट इनलेट पे, जीरो वर्ल्ड एट इनलेट, जीरो वर्ल्ड एट इनलेट अ पॉइंट, क्लियर, इनलेट पॉइंट पे जो है वो जीरो अब वर्ल्ड होनी चाहिए, जीरो वर्ल्ड इनलेट पॉइंट पे, जीरो वर्ल्ड होनी चाहिए, और आपका VW1 जो है ये जीरो होना चाहिए, क्लियर, VW1 जो है ये आपका जीरो होना चाहिए। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो आप बोल सकते हो कि जो है आपका जो नेचर है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो यूज कर रहे हैं वो सही है। तो कहने का मतलब यह है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो वर्क करता है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल नेचर भी बोलते हैं, क्लियर, या रोटा डायनेमिक्स इफेक्ट भी बोला जाता है, क्लियर। और साथ में सेंट्रीफ्यूगल में जो फ्लो होता है, सेंट्रीफ्यूगल में जो फ्लो होता है वो रेडियल आउटवर्ड फ्लो होता है, रेडियल आउटवर्ड फ्लो होता है विद जीरो इनलेट एट द, विद जीरो वर्लिंग एट द इनलेट, क्लियर। तो इतना ये आपको हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, जस्ट वेट 1 मिनट, छोटे छोटे पॉइंट जो है एक बार डायग्राम अपन यहाँ पर बनाते हैं, पहले बार एक डायग्राम है उसको देख लेते हैं और फिर डायग्राम हम लोग बनाते हैं, क्लियर। डायग्राम एक यहाँ पर है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम हम लोग अपना बनाते हैं। चलो
पहले ये डायग्राम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा डायग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए एक बार इस डायग्राम को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया भी था, क्लियर, देखो यहां पर क्या होगा, जैसे यहां पर कहीं पर जैसे ये हमारा जो है पूरा लेआउट है, यहां पर अपना डिस्चार्ज लेबल है यानी डिलीवरी लेबल है, ये ओवरहेड टैंक है जहां पर हम लोग जो है कुछ डिस्चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो सपोज दैट क्यू डॉट या क्यू डी हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, और ये अपना जो है वो डिलीवरी पाइप हो गया, ये अपना डिलीवरी पाइप होता है, ये डिलीवरी पाइप होता है, और ये आपके डिलीवरी वॉल्व हो गई, यहाँ पर ये डिलीवरी वॉल्व लगी हुई है जिसको हम ओपन कर देते हैं, और ये आपका डिलीवरी फ्लैंज है, क्लियर। डिलीवरी फ्लैंज जो है ये कनेक्ट करता है डिलीवरी पाइप को जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो आउटर केसिंग होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो आउटर केसिंग है उससे कनेक्ट करता है। अभी इसका डायग्राम भी मैं बनाऊंगा, इसका लाइन डायग्राम भी अभी मैं बनाऊंगा, पहले यहां समझ लीजिए, क्लियर। तो ये जो फ्लैंज है ये दोनों को कनेक्ट करता है, और फ्लैंज में ही लगा होता है एक गेज, क्लियर, प्रेशर गेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रेशर गेज में हम लोग जो है वो डिलीवरी प्रेशर को मेजर करते हैं, पीडी, क्लियर। इसमें हम लोग जो है वो डिलीवरी प्रेशर को जो है वो मेजर करते हैं, डिलीवरी प्रेशर को जो है वो हम लोग मेजर करते हैं, और जैसे ही अपना डिलीवरी प्रेशर जो है एक प्रॉपर अमाउंट का हो जाता है, हम लोग जो है वहां से प्रेशर को जो है वो जैसे अपना एक सफिशियंट अमाउंट हो जाता है कि वो लिफ्टिंग के लिए सफिशियंट है, हम लोग वॉल्व को जो है वो ओपन कर देते हैं और अपना वाटर जो है वो डिलीवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। वाटर जो है वो डिलीवर्ड होना वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है वो डिलीवरी फ्लैंज हो गया, ये डिलीवरी वॉल्व हो गई, और ये आपका डिलीवरी पाइप हो गया, और ये ओवरहेड टैंक हो गया, क्लियर। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये सेंट्रल लाइन हो गई, ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन है, और इसी को हम लोग जो है वो आई ऑफ द इंपेलर बोलते हैं। जैसे यहां पर आई ऑफ द इंपेलर शो किया गया, देखो ये आई ऑफ द इंपेलर, और ये सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप हो गया, क्लियर। और ये बाहर जो है देखो ये हमारा शाफ्ट हो गया, उसके ऊपर इंपेलर लगा हुआ है, और ये अपनी बैकवर्ड कर्वेचर वाली वेन हो गई, ये अपनी बैकवर्ड कर्वेचर वाली वेन हो गई, क्लियर। और बाहर जो है ये अपनी केसिंग हो गई, केसिंग, और केसिंग जो यहाँ पर होती है वो डिफ्यूजन नेचर की होती है। जैसे ये केसिंग अगर आप यहाँ देखोगे तो केसिंग जो है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है, डाइवर्जिंग। अब देखो केसिंग डाइवर्जिंग क्यों होती है ये हम लोग देखेंगे, केसिंग जो है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है, डाइवर्जिंग नेचर की, जिसको हम लोग डिफ्यूजर केसिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है वो डिफ्यूजर केसिंग भी अब बोलते हैं, डिफ्यूजर केसिंग भी इसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं, डिफ्यूजर केसिंग, क्लियर। इसको हम लोग जो है वो डिफ्यूजर केसिंग पे नाम देते हैं, डिफ्यूजर केसिंग। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ये आपका जो है वो डिलीवरी पंप हो गया, फिर उसके बाद इधर से आओगे तो यहाँ पर ये सक्शन पाइप हो जाएगा, ये सक्शन फ्लैंज लगा हुआ है, और ये सक्शन पाइप हो गया आपका, क्लियर। और ये सम्प लेबल होता है, सम्प लेबल। अब देखो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये सम्प लेबल हमारा कहाँ पर होता है और कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो देखो सम्प लेबल जो अपना होता है, सम्प लेबल जो अपना होता है ये हम लोग डिसाइड करते हैं, सम्प लेबल जो अपना होता है क्लियर, सम्प लेबल जो अपना होता है, सम्प लेबल ये वो पॉइंट होता है जहां पर हम वाटर को जो है, जहां से वाटर को जो है वो क्लियर, जो वाटर को जहां से हम लोग जो है लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे अर्थ में देखोगे तो अर्थ में ये नहीं है कि सम्प लेबल आपका 100 फुट नीचे है, क्लियर, 100 फुट जो है वो नीचे नहीं होता है, सम्प लेबल वहां से स्टार्ट होता है जहां पर जो सॉयल है वो विट मिलना शुरू हो जाती है, जहां पर सॉइल आपके वेट मिलना शुरू हो जाती है वही हमारा सम्प लेवल होता है। हार्डली जो है 7 to 8 फुट जो है वो नीचे आप देखोगे, एक सेकंड जस्ट वेट,
चलिए तो आगे चलते हैं फिर, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। एक सेकंड, जस्ट वेट, एक सेकंड एक सेकंड। चलिए तो अगर हम लोग यहां से जो है देखें थोड़ा सा, तो यहां पर जो है जैसे सम्प लेबल से जो है, सम्प लेबल से जहां पर हमारा सम्प लेबल होता है और आई ऑफ द इंपेलर जहां पर होते हैं, जैसे ये आई ऑफ द इंपेलर है, तो ये हाइट जो हमारी होती है ये सक्शन हाइट बोलते हैं, एच एस। क्लियर? ये अपना जो है वो एच एस होता है, एच एस। अभी ये सब मैं बनाऊंगा अभी लाइन डायग्राम। और आई ऑफ द इंपेलर से जो डिलीवरी लेबल होता है इसको हम लोग जो है वो एच डी बोलते हैं। क्लियर? इसको हम एच डी बोलते हैं और ये हमारा जो है वो एच एस होता है। क्लियर? ये हमारा सक्शन हो गया, वो हमारा जो है वो डिलीवरी हेड हो जाता है। और यहां पर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो फ्लो होता है, देखो यहां से वाटर जाता है और बाहर की तरफ देखो ये फ्लो हो रहा है, ये रेडियली आउटवर्ड जो है वो फ्लो हो रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे तो रेडियली आउटवर्ड जो है वो फ्लो हो रहा है, उसके बाद केसिंग से निकलने के बाद वाटर जो है ऊपर की तरफ रेज करता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करें, क्लियर, अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा नोटिस करें तो एक्चुअली जो केसिंग होती है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो पहले मैं डाइवर्जिंग केसिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूं फिर आगे चलता हूं, जिसको हम लोग डिफ्यूजर केसिंग भी बोलते हैं। तो यहां पर जो केसिंग होती है जैसे ऐसे डाइवर्जिंग नेचर की होती है, जैसे ऐसे डाइवर्जिंग नेचर की केसिंग आपकी है, मान लो सपोज है ये आपकी जो है ये डाइवर्जिंग नेचर की केसिंग हो गई। तो ये ऐसे कुछ केसिंग होती है अगर आप देखोगे यहां पर राइट नाउ, ये ऐसे कुछ केसिंग है। क्लियर? तो यहां पर जैसे आपका वाटर यहां पर मान लो इंटर कर रहा है, तो अगर यहां डाइवर्जिंग केसिंग में देखोगे, और भी डायग्राम अच्छा बना देंगे अभी, तो डाइवर्जिंग केसिंग अगर मान लो है तो यहां पर क्या होगा, एरिया कंटिन्यूअसली आपका जो है वो बढ़ रहा है। और एरिया अगर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा तो आप ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि कंटिन्यूटी से जो है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होगी, और वेलोसिटी अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी हमारी ड्रॉप करेगी। और चूंकि टोटल एनर्जी फ्लूइड की जो है वो आपकी केसिंग में अगर देखोगे तो केसिंग में कोई एनर्जी का हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो केवल लॉसेस के बराबर एनर्जी लॉस होगी, बाकी रेस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। मान लो सपोज दैट केसिंग के इनलेट पे जो है बकेट से निकलने के बाद फ्लूइड की जो एग्जिट पे एनर्जी है, बकेट से निकलने के बाद मान लो जो फ्लूइड की एनर्जी है वो मान लो 100 यूनिट है, और 2 4 5 यूनिट जो है वो मान लो केसिंग में आपका लॉस हो गया, 2 4 5 यूनिट जो है मान लो सपोज दैट केसिंग में आपका लॉस हो गया, तो बचा जो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है 95 98 जो भी अमाउंट आपका बचा वो आपका कंजर्व रहेगा। अब वो एनर्जी आपकी दो ही पार्ट में दिख रही है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा जो है वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी कम हो रही है दोस्त, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये अगर आपके ड्रॉप कर रही है, तो 110% मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर होगा ये आपका क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रेशर एनर्जी भी जो है ये आपकी बढ़ेगी। अब देखो पंप में अपने को डिसाइड क्या होता है कि एग्जिट पे जितना ज्यादा प्रेशर पे फ्लूड आएगा उतना ही हाई एलिवेशन तक वो क्या कर जाएगा, रीच कर जाएगा। मान लो जैसे मैं अगर आपको ये समझाऊं, जैसे ऐसे बोलू कि मान लो जैसे आपको पानी की टंकी भरनी है, जस्ट इमेजिन डैट कि आपको पानी की टंकी भरनी है। क्लियर? तो अब पानी की टंकी में वाटर 10 मीटर पर सेकंड से फॉल करे या 100 मीटर पर सेकंड से फॉल करे, अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो वेलोसिटी यहां पर यूजलेस है। मतलब 100 मीटर पर सेकंड से अगर टंकी में पानी गिरेगा या जाएगा एग्जिट पे तो टंकी जल्दी भर जाएगी, और अगर 10 मीटर पर सेकंड से आएगा तो टाइम टंकी को भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर टाइम फैक्टर नहीं है यहां पर, अगर
तो आप ये बोल सकते हो, ये बता सकते हो, समझा सकते हो कि यहां पर जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आप दे रहे हो 90 मीटर पर सेकेंड से, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आप वाटर को सप्लाई कर रहे हो वो यूजलेस है। मतलब उतना काइनेटिक एनर्जी का जो फैक्टर है वो टंकी में जाके लॉस हो जाएगा। और ये एनर्जी आई कहां से? ये एनर्जी आई है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। आपने पंप को मैकेनिकल के फॉर्म में एनर्जी दिया है, पंप ने वाटर को एनर्जी दिया है और वाटर की एनर्जी रेज हुई है। क्लियर? अगर काश यही एक्स्ट्रा एक्सेस काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते तो शायद मे बी सेकंड फ्लोर की जगह हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे वाटर को डिलीवर कर देते। जैसे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से जब आप वाटर को डिलीवर कर रहे हो तो आप जो है वो सेकंड फ्लोर तक वाटर को रीच कर पा रहे हो। लेकिन काश अगर यही हमारा 100 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड से वाटर टंकी में गिरे और टाइम एज अ कंस्ट्रेंट ना हो, तो हम सेकेंड फ्लोर की जगह फिफ्थ फ्लोर तक वाटर को मे बी रीच कर सकते हैं, वाटर को फिफ्थ फ्लोर पे डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक जो है बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। क्लियर? और पावर हमारा उतना सेफ हो जाएगा। तो बोला यह जाता है कि जब वाटर हमारा वेन से निकलता है तो वेन के एग्जिट पे वेलोसिटी जो है वो डिजायरेबल नहीं होती है। हम चाहते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी या जो काइनेटिक एनर्जी है, काश ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? प्रेशर एनर्जी में, और एग्जिट पे प्रेशर आपका बढ़ जाए और उस हाई प्रेशर को हम लोग यूटिलाइज कर लें पोटेंशियल हेड में, जिससे ज्यादा से ज्यादा हाइट तक हम वाटर को क्या कर पाए और डिलीवर कर पाए। ये समझ में आता है क्या? अरे ये समझ में आता है क्या? ज्यादा से ज्यादा हाइट तक वाटर को हम क्या कर पाए? डिलीवर कर पाए। एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट बताओ, ये समझ में आता है क्या? चलिए प्रभाकर, आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट, डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे अगर यहां बात किया जाए तो ये अपनी आई ऑफ द इंपेलर हो जाता है। जस्ट वेट वन मिनट। मान लो ये आपका जो है वो रोटर है, मतलब शाफ्ट है, और यहां पर अगर देखा जाए तो इसको हम टंग बोलते हैं, टंग। और यहां पर वाटर जो है वो आप डिलीवर कर रहे हो। यहां पर वाटर जो है वो आप डिलीवर कर रहे हो। तो ये मान लो आपका जो है वो डिलीवरी पॉइंट हो गया, जहां पर वाटर को आप डिलीवर कर रहे हो। क्लियर? ये आपका जो है वो डिलीवरी हो गया, जैसे मान लो डिलीवर्ड पॉइंट हो गया। और यहां पर जैसे देखा जाए तो ये मान लो आपका जो है वो सक्शन पाइप हो गया और ये सम्प लेबल हो गया। आराम से समझिएगा, बड़ा जल्दी नहीं है, धीरे धीरे देखते हुए चलिए। लाइन डायग्राम भी अपन बनाते हुए चलते हैं। और ये आपकी सेंट्रल एक्सेस है, या जिसको हम लोग आई ऑफ द इम्पेलर बोल रहे थे। और यहां पर अपना ओवरहेड टैंक है, जहां पर हम वाटर को जो है एक सर्टन अमाउंट से डिलीवर कर रहे हैं। मान लो सपोज दैट डिलीवरी डिस्चार्ज अपना जो है वो क्यू डी है। और यहां पर अगर देखा जाए तो सक्शन जो है वो हम लोग क्यू एस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मास जो है ये मान लो एम ऑफ एस है, और यहां पर जो हम डिलीवर कर रहे हैं ये अपना जो है एम ऑफ आर डी है। क्लियर? तो ये अपना सेंट्रल एक्सेस है। मान लो ये जो है ये आपकी सेंटर एक्सेस है, सेंटर एक्सेस है, या इसी को हम लोग जो है वो आई ऑफ द इम्पेलर जो है वो नाम दे रहे हैं।
आई ऑफ इंपेलर, क्लियर? इसको हम लोग जो है वो आई ऑफ इंपेलर जो है वो नाम दे रहे हैं, क्लियर? आई ऑफ इंपेलर जो है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये मान लो सपोज दैट आपकी एच ऑफ एस है, ये आपकी एच ऑफ एस है, ये आपका एच ऑफ एस है, और ये हाइट जो है ये मान लो आपकी जो है वो एच ऑफ डी है, ये आपकी एच ऑफ डी है, क्लियर? एच ऑफ डी है, क्लियर? एच ऑफ डी है, क्लियर? तो ये आपका डिलीवरी हेड हो गया, मान लो ये आपका जो है वो डिलीवरी हेड हो जाएगा, दैट शुड बी डिलीवरी हेड, और ये आपका जो है वो सक्शन हेड हो जाएगा, मान लो ये अगर देखा जाए तो ये आपका जो है वो सक्शन हेड हो जाएगा, सक्शन हेड, और यहां पर इसमें जो लॉस हो रहा है वो एच एल एफ एस हो रहा है सक्शन पाइप में, और डिलीवरी पाइप में जो हो रहा है वो एच एल एफ डी हो रहा है, क्लियर? एच एल एफ डी, और इसका एरिया वेरिया वो सब अभी हम मान लेंगे क्या जो भी है, क्लियर? अब चलिए, और यहां पर वाटर जब हम डिलीवर्ड कर रहे हैं तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो वीडी है। तो सबसे पहले होता है कि यहां पर जैसे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनता है, क्लियर? और उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग समझते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहां कैसे होता है। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी ट्रायंगल, क्लियर? वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल इन सेंट्रीफ्यूगल अपर, क्लियर? वेलोसिटी ट्रायंगल इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो हाइड्रोलिक्स मशीन वाली मैराथन में बता दिया था। तो यहां पर कैसे होता है, जैसे ये आपका इनर प्लेन हो गया, अरे फ्लूइड मशीनरी करा रहा हूं दोस्त, करा रहा हूं, स्पेशल क्लास में करवा दिया है पूरा 40 से 45 घंटे, अभी क्विक रिवीजन भी करवा दे रहा हूं, स्पेशल क्लास में 40 से 45 घंटे मैंने करवा दिया है हाइड्रोलिक्स मशीनरी, बहुत पहले ही करवा दिया था, 4-5 महीने पहले ही करवा दिया था, और फ्री है, फ्री में देख सकते हो, डिटेल में करवाया है 40 से 50 घंटे, बढ़िया आराम से करवाया, ये सब कुछ करवा रखा है स्पेशल क्लास में, बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हो बढ़िया, क्लियर? तो यहां पर जो है ये इनलेट ऑफ वेन होता है, ये इनलेट प्लेन होता है वेन का, इनलेट ऑफ प्लेन ऑफ वेन, इनलेट प्लेन ऑफ वेन, यहां पर इनलेट प्लेन होता है वेन का, और ये जो है वो एग्जिट होता है, ये एग्जिट प्लेन होता है वेन का, एग्जिट प्लेन ऑफ वेन, और बकेट अपनी कुछ ऐसे होती है, जैसे मान लो ये अपनी बकेट हो गई, जस्ट वेट वन मिनट, क्या होता है ना पेन टाइप से थोड़ा डिजाइन बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, अब यही क्या बोर्ड पे हो तो बहुत बढ़िया डिजाइन बने। चलिए यहां बनाओ कुछ और बन कुछ और जाता है। चलिए तो ये अपनी जो है वो बकेट है, मान लो ये बकेट है, एक सेकंड, थोड़ी ज्यादा थिक हो गई है, फील नहीं हो रहा बकेट है, थोड़ा और थिन बनाते हैं, ज्यादा ही हो गया कुछ, जस्ट वेट वन मिनट दोस्त। ये मान लो आपके जो है वो बकेट है, ये मान लो जो है वो आपकी बकेट है, ये आपकी बकेट है, और ये पॉइंट जो है वो इनलेट पॉइंट होता है वन, और ये पॉइंट जो एग्जिट पॉइंट होता है टू, और ये बकेट जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रही है, मान लो रोटेट कर रही है ऐसे। तो पहले मैं एग्जिट पे बना रहा हूं, वाटर जो है ये इसके बैकवर्ड सरफेस पे मूव करेगा, मतलब वाटर यहां पर ऐसे मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, वाटर यहां पर ट्रेवल करता है, यहां पर ट्रेवल करता है, अब देखो यहां पर ट्रेवल करते करते एग्जिट पे जब वाटर निकलता है तो वी आर टू वेलोसिटी से बाहर आता है, एग्जिट पे फ्लूइड जो है वो वी आर टू वेलोसिटी से बाहर निकलता है, वी आर टू में आप जो है वी टू को ऐड करते हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन यहां पर दोनों की होती है, तो ये आपका जो है यू टू होता है, सॉरी यू टू ऐड करते हो, ये यू टू है,
यू टू एड करते हो तो ये आपको जो है, या माइनस करते हो तो ये आपको वी टू मिलता है यहां पर। क्लियर, ये यहां पर जो है ये आपको वी टू मिलता है, ये आपको वी टू मिलता है, वी टू। क्लियर, तो और ये एंगल जो आपका होता है, ये एंगल जो आपका होता है ये फाई एंगल होता है, जैसे ये एंगल जो है ये फाई होता है, और यहां पर ये एंगल जो आपका होता है ये बीटा होता है, और ये वर्टिकल जो है ये वर्टिकल, ये वर्टिकल जो है क्लियर, ये जो वर्टिकल आपका है ये आपका जो है ये वी एफ टू हो जाता है। और यहां पर एक सेकंड में यहां बनाता हूं डायग्राम, देखो वहां कट पेस्ट हो गया है, तो ये आपका जो है वो वी आर टू होता है, वी आर टू। और वी आर टू में जब आप यू टू को माइनस करते हो तो ये मिलता है वी टू, तो ये आपका जो है वो वी टू हो जाता है। क्लियर, वी टू हो जाता है, ये सब मैं डिटेल में बता रखा हूँ स्टार्टिंग में भी। क्लियर, तो और ये एंगल यहाँ पर जो आपका बनेगा ये फाई एंगल होता है, जिसको हम वेन एंगल बोलते हैं, और ये एंगल जो है ये आपका बीटा, बीटा है। क्लियर, बीटा एंगल। और ये जो अमाउंट होता है ये यहां तक जो अमाउंट होता है, क्लियर, तो ये हमारा जो है वी डब्ल्यू आर टू होता है, और ये जो अपना होता है ये अपना जो है ये यू टू माइनस का वी डब्ल्यू टू हो जाता है, और ये अगर देखोगे तो ये वी एफ टू होता है। क्लियर, एग्जिट पे तो सही है, इनलेट पे कैसे होता है, तो इनलेट पे देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है वी आर वन। क्लियर, टेंजेंट जो यहां पर होगा ये वी आर वन होगा। अब यहाँ अल्फा 90 बनाना है अपने को, क्लियर, अल्फा 90 बनाना है, तो जैसे यहां पर अगर आप देखोगे अल्फा 90 होना चाहिए, तो वी वन जो है वो परपेंडिकुलर आएगी, वी वन के यू वन जो है वो परपेंडिकुलर जाएगा, जैसे मान लो बताते हैं, जैसे ये मान लो डायरेक्शन जो है वो V1 की डायरेक्शन है, V1 की, मान लो ये V1 वेलोसिटी है V1, तो U1 जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, एक सेकंड यार, एक सेकंड, 90 डिग्री आएगा, ऐसे ये यहां पर जो है वो 90 डिग्री होगा, और ये आपका वी आर टू हो जाएगा। अभी आगे भी बना रहा हूं मैं, एक बार और बनाता हूं अभी, ये वी आर वन हो गया, और ये यहां पर जो है वो थीटा हो जाएगा, और यू वन हो गया वी वन, और यहां पर ये वी डब्ल्यू वन वी एफ वन के जो है वो बराबर है, ये वी एफ वन के बराबर है। और इनलेट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है वी डब्ल्यू वन जो आपका होता है ये कंप्लीटली जो है आपका जीरो होता है। देखिए यहां पर देखिए डायग्राम एक और बनाते हैं, एक बार डायग्राम थोड़ा और बनाते हैं, देखो जैसे ये आपका इनर एंड आउटर प्लेन हो गया, इनर एंड आउटर प्लेन हो गया, क्लियर, और ये आपकी जो है वो बकेट हो गई, मान लो ये जो है ये आपकी बकेट हो गई, और ये पॉइंट आपका वन हो गया, ये टू हो गया। क्लियर, तो वाटर यहां पर ऐसे निकलेगा, वाटर ये आपका यहां पर जो है वो ऐसे बाहर आया, और जब वाटर बाहर आएगा तो वी आर टू वेलोसिटी से बाहर आएगा, और वी आर टू से आपने माइनस करवा दिया यू टू को। क्लियर, यू टू को जैसे आपने सपोज डेट माइनस कर दिया, तो ये जो आपका बनेगा यहां पर ये आपका वी टू बनेगा, ये आपका V2 बनेगा, और फिर जो है यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो आपकी होगी, ये वैल्यू, ये आपकी VFR2 होगी, और ये वैल्यू जो आपकी होगी ये VWR2 होगी, ये VW2, और ये वैल्यू आप यहां पर अगर आप देखोगे तो ये phi हो गया, और ये यहां देखोगे तो ये जो है ये बीटा हो गया। क्लियर, ये phi एंड ये बीटा हो जाएगा। क्लियर, और इनलेट पे कैसे होगा वो भी हम लोग बनाते हैं, ये डायरेक्शन केवल पहले डिसाइड होगी वी आर वन की, तो ये वी आर वन इसके टेंजेंट होगा, वी आर वन की डायरेक्शन ये हो गई। अब देखो वी वन कहीं यहां पर मान लो जैसे ऐसे वी वन है, तो यू वन अपने को परपेंडिकुलर रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, जैसे मान लो ये अपना वी वन हो गया,
तो यहां परपेंडिकुलर अपने को देना है, परपेंडिकुलर, क्लियर, परपेंडिकुलर देना है यहां पर, ये परपेंडिकुलर हो गया मान लो। तो यहां पर ये जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो VW1 जो है ये आपका जीरो हो गया, क्योंकि अल्फा यहां पर 90 डिग्री है, जो नोजल एंगल है या वेन एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये VW1 हो गया और ये VF1 हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर दो, तो ये आपका U1 है, ये VR1 है और ये एंगल जो है ये आपका थीटा, क्लियर। ये आपका इनलेट वेन एंगल होता है, ये एग्जिट वेन एंगल होता है, और अल्फा जो है 90 है और VW1 जीरो है, इसका मतलब विदाउट अ वर्ल्ड एट इनलेट, वर्ल्ड जो है विदाउट वर्ल्ड एट इनलेट, विदाउट वर्ल्ड एट इनलेट, विदाउट वर्ल्ड एट इनलेट, इनलेट पे कोई वर्ल्डिंग नहीं हो रही है, क्लियर, इनलेट पे जो है वो कोई वर्ल्डिंग नहीं हो रही है। तो यहां पर ट्रेंगल का अपन जो है वो नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ट्रेंगल का जो है वो नाम रख देते हैं। तो ये पॉइंट आपका ऐसे मान लो ए हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, और ये टिप पॉइंट जो है वो सी मान लेते हैं, एंड दैट शुड बी आर डी, ये पॉइंट मान लेते हैं ई है, यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं ये एफ है, और ये पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं ये जी है, क्लियर। तो ये ट्रेंगल जो है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, इनलेट एंड एग्जिट वेलोसिटी ट्रेंगल ये आपका कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। जल्दी से मुझे फटाफट बताइए, ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या, जल्दी से फटाफट बताइए, ये समझ में आया क्या एक बार जल्दी से फटाफट बताइए। वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब रोटेशन, रोटेशनल वेलोसिटी जो होती है, रोटेशनल वेलोसिटी जो वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड का मतलब होता है रोटेशन, वर्ल्ड का मतलब होता है रोटेशन, वर्ल्ड बोला जाए या स्वर्ल बोला जाए, वर्ल्ड बोला जाए स्वर्ल बोला जाए, इसका मतलब होता है दोस्त रोटेशन, रोटेशन होता है, रोटेशन, रोटेशन, वर्लिंग या स्वर्लिंग, दैट शुड अ रोटेशनल इफेक्ट, ये रोटेशन होता है, रोटेशन। प्रभाकर, वर्ल्ड या स्वर्ल जो होता है वो रोटेशन होता है, रोटेशन। तो यहां पर इनलेट पे जो है, यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर इनलेट पे, इनलेट पे मैंने अभी बताया है कि रोटेशनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यहां पर जो है रोटेशनल वेलोसिटी जो है, रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो मस्ट बी अ जीरो, वेलोसिटी मस्ट बी अ जीरो, रोटेशनल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, यहां पर रोटेशनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्लियर। रोटेशनल वेलोसिटी मस्ट बी अ जीरो होना चाहिए, मस्ट बी जीरो, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े फिर, चलिए। तो यहां पर अगर हम लोग जो है इंपेलर पावर हमें कितना देना पड़ेगा, तो इंपेलर पावर अगर हम निकाले, इंपेलर पावर विच नीड टू बी सप्लाई, हाँ वैभव बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट टू मान सकते हो आप इसको, पार्ट टू मान सकते हो, इंपेलर पावर विच is need to be supply, need to be supply। अब देखो कितना सप्लाई करना पड़ेगा, जैसे टर्बाइन होता था, टर्बाइन होता था तो उसको हम पावर कितना मिलता था उससे, VW1 U1 + VW2 U2 मिलता था, और अगर ये नेगेटिव डिवाइस हो जाएगा उतना ही अपने को सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर जो इंपेलर पावर होगा, इंपेलर पावर जो आपको सप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, आराम से देखते हुए चलिएगा, इंपेलर पावर जो सप्लाई करना पड़ेगा वो सप्लाई करना पड़ेगा एम डॉट, और ब्रेकेट में हो जाएगा VW2 U2, क्योंकि VW1 जो है ये अपना जीरो है, क्लियर, VW1 जीरो है, तो ये पावर आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ये पावर आपको देना पड़ेगा, क्लियर, ये पावर देना पड़ेगा। अब इस पावर का हेड क्या होगा, अच्छा इस पावर को हम लोग ये भी बोलते हैं, दैट पावर इज ऑल्सो नोन एज एवलर अ पावर, इसको हम लोग एवलर्स पावर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एवलर फार्मूले से निकाली जाती है,
ये एवलर फार्मूले से निकाली जाती है, तो इसको हम एवलर पावर भी बोलते हैं, एवलर पावर भी इसको हम बोलते हैं, क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग इंपेलर हेड निकालेंगे, मान लो इंपेलर हेड की बात करें, इंपेलर हेड नाम ध्यान रखिएगा, इंपेलर हेड या एवलर हेड भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग जो है वो एवलर हेड भी बोल सकते हैं, एवलर हेड भी बोल सकते हैं, एवलर हेड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये एवलर हेड हमारा क्या हो जाएगा, जो भी आपकी इंपेलर पावर है, इंपेलर पावर को जो है वो हम लोग एम डॉट जी से डिवाइड कर दें, क्लियर, एम डॉट जी से जो है वो डिवाइड कर दें। तो इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा एम डॉट वी डब्ल्यू टू आई यू टू एंड डिवाइडेड बाई जो है वो एम डॉट जी हो जाएगा। ये एम डॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर जो निकल के आएगा ये वन बाई जी, ये हो जाएगा वी डब्ल्यू टू आई यू टू, ये हो जाएगा एज एन अ मीटर, क्लियर। ये मीटर में हो जाएगा और ये हमारा जो है वो इंपेलर अहेड है, ये इंपेलर हेड है आपका। ये इंपेलर हेड है, क्लियर, ये इंपेलर हेड है आपका, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये आपका जो है वो इंपेलर हेड हो जाएगा, क्लियर। इंपेलर हेड बोल सकते हो या इसको एवलर हेड भी बोल सकते हो, क्लियर। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई सारे जो है वो आपके हेड आएंगे एंड लॉसेस एंड एफिशिएंसी, वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, क्लियर, पहले यहां तक हो जाएगा। चलिए तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिर। अब देखो यहां से अगर हम लोग थोड़ा आगे चलें तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है मैनोमेट्रिक हेड, क्लियर। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है तो मैं समझाता हूं, पहले आप समझिएगा, जो मैं समझा रहा हूं। देखो अगर हम बात करें मैनोमेट्रिक हेड का, मैनोमेट्रिक अहेड की अगर हम बात करें, मैनोमेट्रिक हेड जिसको हम लोग एच मैनो बोलते हैं, पहले आप इसका एक बार डेफिनेशन समझिए। देखो मैनोमेट्रिक हेड वो होता है जो हम लोग जो है वेन की हेल्प से वाटर में ऐड करते हैं, यानी वाटर को जो मिलता है वो मैनोमेट्रिक हेड होता है। वेन पे जो पावर ऐड होती है वो हमारी इंपेलर पावर होती है। देखो आप क्या करते हो, पहले शाफ्ट को पावर देते हो, शाफ्ट रोटर को रोटेट करता है, रोटर से ब्लेड पे पावर जाती है, ब्लेड से फिर वाटर में पावर जाती है और फिर वाटर लिफ्टिंग स्टार्ट करता है। तो हम पहले शाफ्ट को पावर देते हैं, शाफ्ट पावर, शाफ्ट से रोटर में पावर जाएगी, रोटर या वेन बकेट में आप बोल सकते हो, अब ब्लेड पे पावर जाती है। तो शाफ्ट से ब्लेड तक जाने में बीच में कपलिंग में लॉसेस होती है, जिनको हम मैकेनिकल या फ्रिक्शनल लॉसेस बोलते हैं। शाफ्ट और रोटर के बीच में जो कपलिंग होती है ना, कपलिंग जो फ्रिक्शन होता है, उसमें कुछ पावर लॉस हो जाती है, क्लियर। तो वो अभी हम निकालेंगे वो क्या होता है। अभी आप पहले समझिए कि हमने शाफ्ट को पावर दिया, पावर शाफ्ट से जो है वो रोटर यानी इंपेलर पे पहुंच गई और इंपेलर से अब वाटर में ऐड होने वाली है। तो वाटर को जो मिलता है वो मैनोमेट्रिक हेड होता है या पावर होती है, क्लियर। ये मैनोमेट्रिक हेड वो होता है विच इज रिसीव्ड बाई वर्किंग फ्लूइड, विच इज रिसीव्ड बाई वर्किंग अ फ्लूइड, क्लियर, रिसीव्ड बाई वर्किंग अ फ्लूइड, received by working fluid from the impeller blade, from the impeller blade, clear, impeller blade से जो power मिलेगी। अब देखो जब आप ब्लेड से पावर वाटर में दोगे, रोटर से ब्लेड पे पावर आई, अब ब्लेड पे कुछ लॉसेस होंगे जब वाटर ट्रेवल करेगा, तो एक तो जो है ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से कुछ पावर लॉस हो जाएगी, एक तो होगा ब्लेड फ्रिक्शन, क्लियर, एक तो होगा ब्लेड फ्रिक्शन,
और दूसरा होगा दोस्त, दूसरा होगा बकेट फ्रैक्शन, सॉरी केसिंग फ्रैक्शन, केसिंग में जो फ्रैक्शन होगा, केसिंग ऑफ फ्रैक्शन, क्लियर, केसिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो एक तो ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से कुछ हेड लॉस हो जाएगा या एनर्जी, तो इसकी वजह से जो लॉस होगा ना उसको मैं बोल दे रहा हूं एचएल ब्लेड, एचएल ब्लेड बोल दे रहा हूं, एचएल लॉस, एच स्टैंड फॉर हेड, एल लॉस फॉर, एल स्टैंड फॉर लॉस, और इसको मैं बी लिख देता हूं एचएल ब्लेड, और जो केसिंग में लॉस होगा इसको मैं एचएल केसिंग लिख देता हूं एचएलसी, क्लियर, इसको मैं एचएलसी लिख देता हूं एचएलसी। तो टोटल जो था उससे अगर मैं निकालूं तो मेरा एच मैनो जो बनेगा यहां पर, एच मैनो जो मेरा बनेगा, एच मैनो जो मेरा यहां पर निकल के आएगा, क्लियर, एच मैनो जो मेरा निकल के आएगा ये हो जाएगा एच इंपेलर, टोटल जो मैंने ब्लेड पे दिया था वो इंपेलर था, माइनस का हो जाएगा एच एल ऑन ब्लेड एंड माइनस का हो जाएगा एच एल ऑन केसिंग, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं डेट शुड ऑल्सो, ये हो जाएगा 1/अजी और ये वी डब्ल्यू टू यू टू हो जाएगा, क्लियर, माइनस का एच एल ब्लेड हो जाएगा, माइनस का जो है वो एच एल केसिंग हो जाएगा, ये आपका एच इंपेलर निकल के आएगा। मैं इधर लिखता हूं, इधर लिखता हूं एच मैनो जो निकल के आएगा, एच मैनो जो होगा आपका मैनो, ये हो जाएगा आपका एच इंपेलर, या इसकी वैल्यू जब पता है तो वैल्यू लिख देते हैं, ये 1/जी वी डब्ल्यू टू यू टू हो जाएगा, माइनस का जो है वो एच एल ब्लेड हो जाएगा, माइनस का एच एल केसिंग हो जाएगा, ये आपका यहां पर जो है वो निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा, क्लियर। अब इसको अपने को जो है वो डेरिवेशन भी करना है, तो इसको हम देख भी लेते हैं ये कैसे आएगा या वैल्यू इसकी क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी हम लोग निकाल लेते हैं, क्लियर, वैल्यू भी इसकी निकाल लेते हैं, जस्ट वेट वन मिनट। चलिए तो इसकी वैल्यू भी जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका सम्प लेबल है, ये अपना सक्शन पाइप हो गया, जस्ट वेट वन मिनट, जस्ट वेट वन मिनट, जस्ट वेट वन मिनट, एक बार मैं पावर चेक कर लेता हूं, जस्ट वेट वन मिनट, थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ है, गिव मी जस्ट टू मिनट, जस्ट गिव मी टू मिनट, गिव मी टू मिनट, सम पावर इशू हुआ है थोड़ा सा, एक बार पावर चेक कर लेता हूं, तो जस्ट गिव मी टू मिनट।
चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब देखो मैनोमेट्रिक हेड जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट होता है। आराम से बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो जैसे ये अपना सक्शन पाइप है, एक एक कंपोनेंट को अपन बाहर निकाल के आराम से देखेंगे। जैसे ये अपना सक्शन पाइप है और ये अपना सम्प अलेबल है। जैसे मान लो सपोज दैट ये अपना असम अलेबल है। क्लियर? ये अपना सम्प लेबल है और सम्प लेबल से जैसे ये सक्शन पाइप है और ये अपनी आई ऑफ इम्पेलर होती थी, क्योंकि तो यहां से ब्लेड का इनलेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपना जो है आई ऑफ इम्पेलर है, मान लो आई ऑफ इम्पेलर है। क्लियर? तो ये अपना जो है वो टू आ टू सेक्शन है, टू टू सेक्शन है। और ये अपना जो है वो वन वन है, ये वन वन है। और ये हाइट जो है ये अपनी एच एस है और इस पाइप में जो लॉस हो रहा है वो हमारा एच एल एफ सक्शन है। एच एल एफ एस लिख देता हूं मैं, एच एल एफ एस। तो यहां पर वेलोसिटी मान लो अगर वी एस है तो यहां पर हेड कितना होगा, यहां पर हेड कितना होगा, यहां पर हेड हो जाएगा वी सक्शन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है वो टू जी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सक्शन का जो हेड होगा और जो प्रेशर यहां पर होगा, जो प्रेशर होगा ये अपना हो जाएगा मान लो पी टू एस बोल देता हूं, सक्शन लगा देता हूं, पी टू एस लिख देता हूं, पी टू एस। क्लियर? तो लॉसेस हो गई। अच्छा, यहां पर सम्प लेवल पे जो प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट एटमोस्फेरिक होगा। सम्प लेवल पे जो प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो एटमोस्फेरिक होगा। सम्प लेवल पे जो प्रेशर होगा ये ऑलमोस्ट एटमोस्फेरिक होगा। और यहां पर जो है हम ये मान लेते हैं डेटम लाइन अपना जो है वो जेड इज इक्वल टू जो है वो जीरो है। क्लियर? यहां पर डेटम लाइन है और जेड इज इक्वल टू डेटम लाइन पे क्या है, जीरो है। तो यहां पर एनर्जी का लेवल जो है वो ई वन है और यहां पर एनर्जी का जो लेवल है ई टू है। और अपने को पता है फ्लूइड मैकेनिक्स से अपने को पता है कि अपने को क्या करना है कि फ्लो के डायरेक्शन में जो है वो एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। तो हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू लॉसेस होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। एनर्जी का जो डिफरेंस या एनर्जी इक्वेशन जो हम अप्लाई करते हैं, हायर माइनस का ई ऑफ लोअर, हायर माइनस ई ऑफ लोअर इज इक्वल टू जो है वो लॉसेस होते हैं। क्लियर? हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू लॉसेस होते हैं। अब देखो हायर क्या होगा, एनर्जी का हायर क्या होगा, हायर लेवल क्या होगा, एनर्जी का हायर लेवल जो है वो ई1 है, माइनस का ई2 हो गया और लॉसेस जो हो रहा है ये हमारा एच एल एफ इन सक्शन पाइप है, ये मान लो अपना वन है। क्लियर? ये इक्वेशन वन हो गई, ये पहली इक्वेशन आपने जो है वो अप्लाई कर दी, ये पहली इक्वेशन जो है वो आपने अप्लाई कर दी यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अब सेकंड क्या आएगा, आपकी बकेट आएगी। सक्शन पाइप से निकलने के बाद जो है ये वेन पे स्ट्राइक करेगा। सक्शन पाइप से निकलने के बाद जो है ये बैकवर्ड कर्वेचर वाली बकेट पे जो है वो स्ट्राइक करेगा। क्लियर? बैकवर्ड कर्वेचर बकेट पे। तो ये आज जो नोटेशन था ये अपना टू था, तो ये मान लो टू है और ये मान लो जो है वो थ्री है, ये थ्री है। क्लियर? तो यहां पर जो एनर्जी का लेबल है वो अपना ई टू था और यहां पर एनर्जी का लेबल मैं मान लेता हूं ई थ्री है। और फ्लूइड जब इसके बैकवर्ड कर्वेचर पे मूव करेगा, मान लो यहां पर इस कर्वेचर पे जब फ्लूइड मूव कर रहा है, कर्वेचर पे जब मान लो फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है, क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब फ्लूइड हमारा मूव करेगा, इस कर्वेचर पे जब फ्लूइड हमारा मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, तो यहां पर जो है कुछ लॉसेस होंगे बकेट पे, बकेट पे जो है कुछ लॉसेस होंगे। मान लो जैसे ये लॉसेस जो हैं वो एच एल एफ, मैंने बकेट बताया था, या बेन बी बोल सकते हो। और यहां पर आप इस पे इंपेलर पावर जो है वो ऐड कर रहे हो, तो वन बाई जी इंपेलर हेड मतलब इसको आप दे रहे हो, वी डब्ल्यू टू यू टू, ये आप इसको दे रहे हो।
अब आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, मान लो यहां पर जो है, यहां पर जो है वो 50 यूनिट हेड था, मान लो यहां 50 यूनिट जो है वो एनर्जी का हेड था, और 100 यूनिट आपने मान लो सप्लाई किया, 100 यूनिट आपने मान लो सप्लाई किया, 10 यूनिट मान लो लॉस हो गया, 10 यूनिट मान लो लॉस हो गया, तो ये जो यहां पर हेड बचेगा यानी E3 जो बचेगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, 50 में से आप 50 में आप 100 ऐड किए और 10 आपका बकेट पे लॉस हो गया, तो यही तो होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 140। एक समझाने के लिए डेटा मैंने लिया है, यानी कहने का मतलब ये है कि E3 जो होगा वो हो जाएगा E2, 50 E2 है प्लस का 1/z और VW2 U2 एंड माइनस का जो है जो बकेट पे लॉस हो गया HL ऑन बकेट, ये हो जाएगा और ये इक्वेशन आपकी जो है वो सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये समझ में आया क्या इक्वेशन, ये इक्वेशन समझ में आई क्या, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये इक्वेशन समझ में आई क्या, E3 इज इक्वल टू ये होगा, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ये इक्वेशन समझ में आई क्या। फिर हम आगे चलें क्योंकि बकेट के बाद नेक्स्ट आपकी केसिंग आएगी, बकेट के बाद जो है नेक्स्ट आपकी जो है वो केसिंग आएगी। अभिनंदन बिल्कुल, तो बकेट हो गया, अब देखो बकेट के बाद आपकी केसिंग आने वाली है, तो नेक्स्ट आपकी केसिंग आएगी, क्लियर, नेक्स्ट आपकी केसिंग हो गई, तो केसिंग को मैं ऐसे बना देता हूं, मान लो जैसे ये आपकी केसिंग है, ये आपकी केसिंग है, क्लियर, ये आपकी ऐसे कुछ केसिंग है और यहां पर इनलेट ऑफ केसिंग है, मान लो यहां पर इनलेट ऑफ केसिंग मैं डिनोट कर देता हूं, इनलेट ऑफ केसिंग, यहां पर जो है वो केसिंग का इनलेट है और ये सेक्शन जो है वो एग्जिट ऑफ केसिंग है या डिलीवरी पाइप का इनलेट है, क्लियर, और जो डिलीवरी पाइप की जो हाइट, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में अगर रखोगे तो बकेट की हाइट भी आ जाएगी, तो बकेट की हाइट नहीं लेना है, वो हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इंपेलर जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है वो रोटेट कर रहा है, अगर आप वर्टिकल प्लेन में मानोगे तो फिर आपकी बकेट की हाइट भी आएगी, मतलब वेन की जो हाइट होगी वो भी आ जाएगी पिक्चर में, तो वो हम लेके नहीं चल रहे हैं, आसान लेके चल रहे हैं, एग्जिट ऑफ केसिंग है, ये एग्जिट ऑफ केसिंग है, या हम बोल सकते हैं आर, आर इनलेट ऑफ डिलीवरी पाइप है, ये इनलेट ऑफ डिलीवरी पाइप भी आप इसको बोल सकते हो, इनलेट ऑफ डिलीवरी पाइप भी जो है आप इसको बोल सकते हो, इनलेट ऑफ डिलीवरी पाइप है, क्लियर, ये इनलेट ऑफ डिलीवरी पाइप। अब देखो ये सेक्शन हम मान के चल रहे थे ये 3-3 है, ये मान के चल रहे थे ये 3-3 है और ये मान के चल रहे थे कि ये आपका 4-4 है, क्लियर, ये 4-4 है। अब देखो यहां पर क्या होगा, केसिंग में एक लॉस भी होगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये HL केसिंग है, क्लियर, तो यहां पर एनर्जी कितनी, E3 है, यहां पर एनर्जी E3 है, यहां पर एनर्जी आपकी E4 है और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, क्लियर, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो फिर से आप वही लिख सकते हो हायर माइनस लोअर, तो हो जाएगा E3 माइनस का E4 इज इक्वल टू लॉसेस इन केसिंग, HL इन केसिंग, और ये आपकी जो है वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, यानी यहां से हम लोगों ने जो है तीन डिफरेंट इक्वेशन डेवलप कर लिया, पहला हो गया एक एक कंपोनेंट को एनालिसिस करके, दूसरा हो गया एंड ये थर्ड, एक और बचा है डिलीवरी पाइप, ये भी देख लेते फटाफट और फिर सिंक्रोनाइज करते हैं। अब मान लो ये आपका जो है वो डिलीवरी पाइप लगा हुआ है, केसिंग के बाद जो है ये मान लो सपोज दैट आपका डिलीवरी पाइप है, ये मान लो आपका जो है वो डिलीवरी पाइप है,
ये आपका जो है वो डिलीवरी 5 है, और ये हाइट आपको पता ही है कितनी है, ये HD है, ये HD है, क्लियर। अभी मैं क्या बोलता हूं कि ये पॉइंट अपना 4 हो गया, ये 4 हो गया, और यहां पर वाटर जो है जो डिलीवर्ड हो रहा है, मान लो ये VD वेलोसिटी से टंकी में डिलीवर्ड हो रहा है, क्लियर, VD वेलोसिटी से। और यहां पर मैं ये सेक्शन मान लेता हूं कि ये आपका 5th सेक्शन है, 5th है, और इस पाइप में जो लॉस हो रहा है वो HLF और D है, HLFD है, HLFD लॉसेस इन डिलीवरी पाइप, क्लियर। तो यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पहले यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, E4 माइनस का E5 इज इक्वल टू, रटना नहीं है, देखो अगर रटने जाओगे सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को इवन, तो टाइम बीइंग आपको तो याद हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, तो ये इक्वेशन आपके यहां से निकल के आ जाएगी, क्लियर, ये इक्वेशन आपके निकल आएगी। अब अगर इन सारी इक्वेशन को मैं एक जगह पुटअप करूं, तो जैसे E1 माइनस का E2 इज इक्वल टू HLF इंस्ट्रक्शन पाइप था, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। फिर क्या था, E3 माइनस का E2 कर लेता हूं मैं, E3 माइनस का E2 जो सेकेंड इक्वेशन आपकी थी, ये वाली E2 मैं इधर ले आता हूं, E2 इधर ले आता हूं, और वो भी इधर ले आता हूं, इंपेलर पावर जो है वो भी इधर ले आए, इंपेलर पावर भी इधर ले आते हैं, तो माइनस का 1/G और ये VW2 U2 बकेट वाला भी इधर ले आओ, बकेट पे जो लॉस हो रहा था HL ऑन बकेट, तो इज इक्वल टू 0 बचेगा, ये मान लो अपनी सेकंड इक्वेशन, क्लियर, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी E3 माइनस का E3 माइनस का E4, बिल्कुल E3 माइनस का E4 इज इक्वल टू जो है HL इन केसिंग, ये थर्ड इक्वेशन आपकी है। फोर्थ इक्वेशन क्या होगी, फोर्थ हो जाएगी E4 माइनस का E5, क्लियर, इज इक्वल टू HLF एंड डिलीवरी पाइप, ये आपके जो है वो फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखो यहां पर जो है, अगर हम थोड़ा सा देखें, मान लो इस इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, इस वाली इक्वेशन को, सेकंड वाली इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं, सारी इक्वेशन को, मान लो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, आगे माइनस कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को और ऐड कर दूं, ऐड करो देखो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस है, E2 ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, E4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, E1 बचेगा, और देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर 1/G बचेगा और ये VW2 U2 बचा, और ये माइनस जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस HLB, एक मिनट यहां से देख लीजिएगा, अरे ये इधर आएगा तो प्लस होगा, ये इधर आएगा प्लस होगा, एक सेकंड, ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा दोस्त, ये प्लस रहेगा तो यहां ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, HLB माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस का E5 बचेगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, सक्शन, ये और ये तीन बचेंगे, HLF ऑन सक्शन पाइप प्लस सक्शन पाइप, HLF ऑन डिलीवरी पाइप प्लस HL ऑन केसिंग, ये हो जाएगा आपका, क्लियर, ये हो जाएगा। अब देखो ऐसा करो कि E1 E2 सब उधर ले जाओ, और देखो मैं बताता हूं क्या क्या, E1 को इधर लाओ, E5 को इधर लाओ, और ये जो केसिंग वाला है उसको इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/G। नहीं समझ में आ रहा है अभिनंदन, एक सेकंड, क्या नहीं समझ में आ रहा है, रुको, आराम समझाते हैं, पहले मुझे ये बताओ ये पहली इक्वेशन समझ में आई क्या, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, पहले बताओ पहली इक्वेशन समझ में आई क्या,
कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ पहली क्वेश्चन समझ में आई क्या। यहां पर एनर्जी का लेवल E1 है, यहां पर एनर्जी का लेवल E2 है, और लॉसेस पंप में कितना हो रहा है, पाइप में HLFS, E1 माइनस E2 इक्वल टू HLF हो जाएगा। ये समझ में आ गया, चलो पहली क्वेश्चन समझ में आ गई। दूसरी क्वेश्चन देखो समझ में आई क्या, यहां पर एनर्जी है E2, यहां पर बकेट पे एनर्जी E2 है इनलेट पे, और यहां पर एनर्जी मान लिया E3 है। बकेट से फ्लूइड में कुछ एनर्जी ऐड कर रहे हो, कितनी ऐड कर रहे हो, ये ऐड कर रहे हो, और कुछ बकेट में लॉसेस हो जा रहे हैं। मान लो 2 जो है वो 50 है, अब आपने 100 ऐड किया तो कितना हो गया, 150 हो गया, 10 लॉस हो गया, तो जो बचेगा वो तो E3 होगा। तो E3 इज इक्वल टू क्या होगा, इनलेट पे क्या था आपने क्या ऐड किया और बकेट पे क्या लॉस हो गया, ये E3 हो जाएगा, ये E3 हो जाएगा। देखो दूसरी इक्वेशन समझ में आई क्या, दूसरी इक्वेशन समझ में आई क्या, दूसरी क्वेश्चन समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए, तीसरी क्वेश्चन देखिए जरा, ब्लेड से निकलने के बाद ये कहाँ आएगा बोलो, इनलेट पे आएगा, इनलेट पे E3 है और यहां पर E4 है, यहां पर E4 है, ये वैल्यू E4 है, और इसमें लॉस जो केसिंग में जो लॉस हो रहा है ये HL केसिंग है, तो इनलेट माइनस का एग्जिट इज इक्वल टू लॉसेस, ये तीसरी इक्वेशन बन गई आपकी। ये समझ में आया क्या, तीसरी इक्वेशन समझ में आई क्या, तीसरी इक्वेशन समझ में आई क्या, आ गया। चौथी इक्वेशन देखो, यहां पर एनर्जी का लेवल जो है वो E4 है और यहां पर एनर्जी का लेवल जो है वो E5 है, और लॉस जो हो रहा है वो HLFD हो रहा है, E4 माइनस E5 इज इक्वल टू HLFD हो गया, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ये समझ में आई, ये समझ में आई, बिल्कुल अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर आगे। अब देखो पांचों इक्वेशन को अपने को सिंक्रोनाइज करना है, तो ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन को हमने माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को और ऐड कर दिया, तो देखो E2 से E2 कैंसिल हो, E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस जब अंदर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये E3 तो माइनस का होगा, ये E3 प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, E4 माइनस E4 प्लस कैंसिल, बचा क्या, E1 बचा, E1 लिख दिया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिया, ये टर्म लिख दिया, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ लिख दिया, और बचा क्या, E5 बचा, E5 लिख दिया। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा HLF सक्शन, HLF सक्शन हो गया, और क्या बचेगा, HLF ऑन केसिंग, केसिंग हो गया, HLF ऑन डिलीवरी, डिलीवरी लिख दिया, क्लियर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिखना है, तो अरेंज करने के लिए पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं फिर अरेंज करता हूं। ये E1 है प्लस 1/G है, VW2 है, U2 है, ये है, और माइनस का HL ऑन बेल या बकेट, फिर माइनस का E5 है इज इक्वल टू HLF ऑन सक्शन पाइप प्लस HLF ऑन डिलीवरी पाइप, ये हो गया, प्लस क्या होगा, HL ऑन केसिंग, ये हो गया। अब आप क्या करो, केसिंग वाले को इधर ले आओ, E5 इधर ले जाओ, E1 इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 1/G VW2 U2 माइनस का HL ऑन बेन, हाँ हेड लॉस ही है, हेड लॉस है, अच्छा अच्छा ठीक है चलो, हेड लॉस ऑन बकेट
माइनस का हेड लॉस इन केसिंग इज इक्वल टू ई फाइव माइनस का ई वन एंड प्लस हेड लॉस इन सक्शन पाइप प्लस हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप, ये बचेगा, ये बन गया। और देखो ये जो लिखा हुआ है इसको आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो, यही तो अपना एच मैनो है, ये जो लिखा है यही तो अपना एच मैनो है, यही तो हम लोगों ने देखा है अभी अभी स्टार्टिंग में, यही तो लिखा था हमने एच मैनो को, क्लियर, यही तो अपना एच मैनो है, देखो यही तो अपना एच मैनो है, यही तो अपना एच मैनोमेट्रिक है, तो अपना मैनोमेट्रिक हेड यहां से निकल आया, क्लियर, मैनोमेट्रिक हेड यहां से अपना जो है वो कैलकुलेट हो गया कि मैनोमेट्रिक हेड जो होगा एच मैनोमेट्रिक जो होगा वो हो जाएगा ई फाइव, डायरेक्ट भी अभी बताऊंगा कैसे लिखते हैं, प्लस एच एल एफ इन सक्शन पाइप एच एल एफ इन डिलीवरी पाइप, ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर दूं तो मेरी वैल्यू निकल आएगी, इसकी वैल्यू मुझे रखनी है तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, बस इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। देखो यहां सम लेबल था और यहां पर आपका डिलीवरी लेबल था, मान लो ये आपका जो है वो सम लेबल है, ये सम लेबल था, यहां पर देखो ये सम लेबल था, जैसे ये सम लेबल है, यहां पर सम लेबल है और यहीं पर हमने z इज इक्वल टू जीरो मान रखा है और यहां पर एनर्जी जो है वो इवन है, तो यहां पर इवन एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो यहां पर एनर्जी इवन कितनी होगी, इवन इवन बताओ कितनी होगी, यहां पर इवन कितना हो जाएगा, यहां पर प्रेशर एटीएम है, एटीएम का गेज क्या होगा, जीरो प्लस वेलोसिटी, ये सम लेबल है, फ्लूइड स्टेशनरी है, जीरो होगा, प्लस डेटम लाइन भी यहां पर जीरो है तो यहां पर जीरो आएगा, इवन आपका जीरो हो जाएगा, इवन आपका जीरो होगा। और यहां पर देखो प्रेशर जो है ये फाइव है, प्रेशर एटीएम है तो यहां पर भी प्रेशर का हेड तो जीरो होगा, प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल पूरा का पूरा डेटम से मेजर करोगे तो ये एच एस प्लस एच डी हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो गया। और काइनेटिक हेड यहां कितना होगा, वेलोसिटी कितनी है, वीडी है, तो ये हो जाएगा वीडी स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू सी, तो ई फाइव आपका निकल आएगा, ई फाइव जो होगा वो होगा एच एस प्लस एच डी और प्लस वी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है वो टू सी, ये आ जाएगा निकल के, ये एच फाइव हो गया। और इवन जो है ये आपका जीरो है, इवन आपका जीरो है, क्लियर। चलिए तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं फाइनल एक्सप्रेशन में दोनों की, फाइनल एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो यहां पर फाइनल एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट अप करोगे तो एच मैनो कितना आएगा, एच मैनो आ जाएगा एच एस प्लस एच डी, ये आएगा प्लस का VD स्क्वायर डिवाइड बाय 2Z प्लस का HLF इन सक्शन पाइप प्लस का HLF इन डिलीवरी पाइप, ये निकल के आता है आपका, ये निकल के आता है आपका H मैनो, ये H मैनो आपका निकल के आता है, ये वैल्यू आपके एच मैनोमेट्रिक की निकल के आती है। और देखो ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, कैसे, देखो मैं शॉर्टकट भी बताता हूं आपको, जैसे ये आई ऑफ इंपेलर थी, आई ऑफ इंपेलर है, क्लियर, आई ऑफ इंपेलर है ये हाइट आपकी जो है वो एच एस है मान लो, और ये हाइट जो है वो आपकी एच डी है, एच डी है, और यहां पर आपको वाटर को डिलीवर्ड करना है,
वीडी बिलोफिटी से या वीडी स्क्वायर बाई टू जी से। क्लियर? यहां पर जो लॉस हो रहा हेड में वो आपका एच एल एफ असक्शन है, और यहां पर जो लॉस होगा पाइप में वो एच एल एफ डिलीवरी होगा। अब आप मुझे ये बताओ वाटर को कितना पावर आप सप्लाई करोगे, समझिए। पहले देखो वाटर, जैसे यहां पर वाटर है, मान लो यहां का वाटर है, ये वाटर है, मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, प्रेशर जो है वो एटीएम है, प्रेशर एटीएम है, और वेलोसिटी बीज की जो है वो जीरो है। अब इस वाटर को जो है यहां टंकी में पहुंचाना है, या इधर देखो, यहां पर इधर देखो, मान लो ये जैसे आपका कोई लेबल है सम। अब मान लो यहां पर वाटर है, तो यहां पर प्रेशर जो है वो जीरो है। क्लियर? वेलोसिटी जो है ये जीरो है, डेटम लाइन जो है ये भी आपका जो है वो जीरो है। इस वाटर को जो है यहां तक पहुंचाना है, इस यहां तक, यहां पर डिलीवर करना है। क्लियर? तो यहां पर प्रेशर जो है, मतलब ये प्रेशर पी एटीएम है, पी एटीएम, तो यहां पर भी प्रेशर कितना है, पी एटीएम, जो टंकी में आप जब वो कराओगे। वेलोसिटी यहां वीडी हो जाएगी, हेड आपका कितना होगा बोलो, हेड टोटल हो जाएगा एच एस प्लस एच डी, एच डी। अरे दोस्त, उतना ही तो पावर सप्लाई करना है जितना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। तो देखो, एक तो आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो वाटर की, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, और थर्ड क्या होगा, लॉसेस होंगे, वो आपको देने पड़ेंगे सक्शन, और यहां पर एच एल एफ आर डी। यानी वाटर को जो भी आपने पावर दिया है, एच मैनो जो आपने दिया है, वो कहां कहां जाएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी को रेज करने में वाटर की, और कितना पोटेंशियल हेड वाटर का रेज हो रहा है, एच एस प्लस का एच डी, ये पोटेंशियल हेड हो गया, प्लस एग्जिट पे काइनेटिक हेड होगा जो बचा, तो एग्जिट पे काइनेटिक हेड कितना हुआ, ये बच गया 2g, एंड प्लस का जो पाइप में लॉसेस होंगे, सक्शन प्लस डिलीवरी। यही तो पावर आपने वाटर को दी है, यही तो पावर आपने वाटर को सप्लाई की है। अरे अगर वाटर को आपने पावर मान लो 200 यूनिट का दिया है, मान लो वाटर को आपने पावर 200 यूनिट का दिया है, तो 150 यूनिट पावर चली गई हेड को राइज करने में, 20 हमारी ये मान लो हो गई काइनेटिक एग्जिट पे, और 15 ये हो गए मान लो सपोज दैट, तो यही तो जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि जितना आप वाटर को पावर दोगे, यानी जो भी इंपेलर से आप पावर दोगे, एच मैनो जितना भी दोगे, वो कहां कहां जाएगा, एक तो वाटर का जो हेड राइज करने में, मतलब सम से डिलीवरी, और दूसरा कहां जाएगा, पाइप में जो लॉसेस होंगे, थर्ड कहां जाएगा, जो एग्जिट पे काइनेटिक हेड होगा, बस यही तो है। अरे ये समझ में आया क्या पहले? तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, अगर आप वो पूरा फार्मूला ना भी देखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि हम जो भी वाटर को पावर देंगे, वो एक तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, कुछ सक्शन में लॉस होगा, कुछ डिलीवरी में लॉस होगा, और एग्जिट पे जो हमें काइनेटिक हेड मिलेगा, बस तीन ही पार्ट में यूटिलाइज होगी। जो भी आप मैनोमेट्रिक हेड दोगे वो तीन पार्ट में यूटिलाइज होगा, जो भी आपने वाटर में पावर को ऐड किया वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी को राइज करने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा लॉसेस। क्योंकि यहां पर प्रेशर तो राइज नहीं हो रहा है, एटीएम से वाटर को उठा रहे हो, एटीएम पे ही डिलीवर कर रहे हो, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। तो जो भी आपने वाटर को पावर दिया वो तीन पार्ट में यूटिलाइज की गई, एक पोटेंशियल को बढ़ाने में, दूसरा काइनेटिक को बढ़ाने में, और तीसरा लॉसेस को कंपेंसेट करने में, सक्शन और डिलीवरी पाइप में, सक्शन और डिलीवरी पाइप में लॉसेस को कंपेंसेट करने में। हो जाएगा ये, तो आगे बढ़े फिर। अब देखो, आपको जो हेड मिलता है, जैसे ये आपको यहां से यहां तक जो मिला, जो रिसीव हुआ, ये हेड जो आपको मिला, इस हेड को हम बोलते हैं स्टैटिक हेड। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक हेड, यानी स्टैटिक हेड जो होता है वो एच एस प्लस एच डी होता है,
जो दिखता है हमें, जो फ्लक्चुएट नहीं करता है। क्लियर? अब देखो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। कल का वीडियो कब बनाओगे? कौन सा कल का वीडियो? वो एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रकाश, कल का वीडियो कौन सा, एमटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो दे दिया है, प्रीमियर हो जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन दे दिया है, कल ही दे दिया है, मतलब हो गया है, मिल जाएगा आपको आज या कल, मिल जाएगा आज या कल में वो अपलोड हो जाएगा, आज या कल में अपलोड हो जाएगा, आज या कल में हो जाएगा अपलोड। मैं अनअकैडमी टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो है वो लिंक पोस्ट कर दूंगा जैसे अपलोड होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, पर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है कि अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा देखें तो बात ये आती है कि अगर हम थोड़ा सा यहां पर समझे पहले चीजों को, तो नेक्स्ट अपना ये होता है कि जैसे पंप के केस में जैसे देखा जाए तो हेड हो जाते हैं, एक बार हम एफिशिएंसी भी देख लेते हैं। क्लियर? एक बार हम एफिशिएंसी भी देख लेते हैं, तो एफिशिएंसी इन पंप, क्लियर? चलिए अब देखो एफिशिएंसी के लिए क्या होगा। देखो सबसे पहले जो है आप शाफ्ट को पावर दोगे, जैसे मान लो ये आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, जस्ट टर्बाइन के रिवर्स आपको करना है, उल्टा टर्बाइन का उल्टा करना है। अब शाफ्ट पे मान लो ये आपका रोटर बंधा हुआ है, ये शाफ्ट पे जो है वो रोटर आपका लगा हुआ है, शाफ्ट पे रोटर प्लेस है और रोटर पे आपकी बकेट लगी हुई है। क्लियर? रोटर पे जैसे मान लो सपोज दैट आपकी बकेट ये लगी हुई है, ये बकेट लगी है। क्लियर? ये बकेट लगी हुई है और इसपे हमारा वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, बैकवर्ड सरफेस पे ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है। अब देखो इसको हम जो पावर देते हैं, इसको पावर देंगे कौन सी, शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर इसको हम लोग देंगे। और रोटर पे जो पावर हमें मिलेगी देखने को, या इंपेलर पे जो पावर मिलेगी वो हमें इंपेलर पावर मिलेगी, यहां पर जो है वो हमें इंपेलर पावर मिलेगी, यहां पर हमें इंपेलर पावर मिलेगी। और वाटर पे जो पावर ऐड होती है, वाटर में जो मिलती है इन वाटर, वो हमें मैनोमेट्रिक पावर मिलती है, मैनोमेट्रिक पावर बोलते हैं इसको, मैनोमेट्रिक पावर। क्लियर? मैनोमेट्रिक पावर बोलते हैं। तो देखो शाफ्ट पावर और इंपेलर पावर के बीच, या शाफ्ट पावर को हम मैकेनिकल पावर भी बोलते हैं, दैट आल्सो नोन एज मेक अ पावर। तो इन दोनों के बीच में जो लॉसेस होते हैं उससे जो एफिशिएंसी निकल के आती है इसको हम ईटा मैकेनिकल बोलते हैं, टर्बाइन के जस्ट उल्टा होता है। और इंपेलर और इसके बीच में जो होता है इसको हम लोग जो है वो ईटा मैनोमेट्रिक बोलते हैं, ईटा मैनोमेट्रिक बोलेंगे, ईटा मैनोमेट्रिक। तो देखो टर्बाइन के लिए, इसके लिए इंपेलर पावर के लिए ये इनपुट हो जाएगा, ये इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा। तो ईटा मेक के लिए क्या लिखोगे आप, इंपेलर पावर, इंपेलर पावर आईपी डिवाइडेड बाई शाफ्ट पावर एसपी। और जब इसके लिए देखोगे तो ये अब जो है वो इनपुट पावर बनेगा और ये जो है ये आपका आउटपुट पावर हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे मैनोमेट्रिक पावर यानी एमपी डिवाइडेड बाय आईपी इंपेलर पावर। और यहां से अगर यहां तक आओगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक आओगे अगर, तो ये इनपुट बन जाएगा और ये आउटपुट। तो इसके बीच में ईटा ओवरऑल होता है, ईटा ओवरऑल। और ईटा ओवरऑल जो होता है ये अपना हो जाता है आउटपुट, यानी कि मैनोमेट्रिक पावर एमपी एंड डिवाइडेड बाय इनपुट यानी कि आपका शाफ्ट पावर, जो जो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो एमपी डिवाइडेड बाय आईपी मल्टीप्लाइड बाय आईपी डिवाइडेड बाय एसपी। तो ये आपका बन जाएगा एमपी अपॉन आईपी इज मैनोमेट्रिक, और ये तो ये बन जाएगा ईटा मैनो मल्टीप्लाइड बाय ईटा मैक, ये आपकी जो है ईटा ओवरऑल निकल आएगा, ईटा ओवरऑल।
टर्बाइन का जस्ट उल्टा होता है, टर्बाइन का जस्ट जो है वो रिवर्स होता है, टर्बाइन का रिवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आता है यहां पर कि जो है आपका स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है पंप के लिए। तो नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, क्लियर, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, स्पीड ऑफ पंप यानी एनएस जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है। एनएस जो होता है, देखो एनएस को कैलकुलेट किया जाता है डायमेंशनल अप्रोच से, डायमेंशनल अप्रोच से निकाला जाता है बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल मेथड। क्लियर, डिफाइंड कैसे होता मैं बताता हूं। टर्बाइन जैसा ये भी डिफाइंड होता है, देखो इंपेलर की वो रोटेशनल स्पीड, इंपेलर की वो रोटेशनल स्पीड जब वो यूनिट मैनोमेट्रिक हेड के अगेंस्ट वर्क कर रहा हो और यूनिट डिस्चार्ज को डिलीवर कर रहा हो, यूनिट मैनोमेट्रिक हेड के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल एसपी अपॉन वाटर पावर होता है, बिल्कुल 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 अभिनंदन। देखो यहां पर पंप में यह बोला जाता है कि इंपेलर की या रोटर की वो रोटेशनल स्पीड जब पंप यूनिट हेड के अगेंस्ट वर्क कर रहा हो और यूनिट डिस्चार्ज को डिलीवर कर रहा हो, तो उस समय टेकोमीटर से जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं वो हम एनएस कहलाते हैं, वो एनएस कहते हैं। जैसे मान लो कोई हमारा पंप दिया हुआ है, मान लो कोई पंप है, मान लो जैसे ये आपका कोई जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मान लो ये आपका कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मान लो ये आपका कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है और ये रन कर रहा है, ये रन कर रहा है, क्लियर, ये रन कर रहा है। तो यहां पर ये बोला गया कि इस पंप के अगेंस्ट जो मैनोमेट्रिक हेड होना चाहिए, ये जो ये तो एच एच मैनो जो होना चाहिए, एच मैनो, ये तो स्टैटिक होगा, एच मैनो जो होना चाहिए वो 1 यूनिट होना चाहिए। मैं 1 मीटर नहीं बोल रहा हूं, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा, यूनिट हेड बोल रहा, यूनिट। और ये जो डिस्चार्ज यहां पर डिलीवर्ड करे, ये क्यू डिलीवर्ड जो है ये भी हमारा अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो उस कंडीशन में जो इसकी रोटेशनल स्पीड होती है ये हमारी जो है एन जो होता है ये हमारा एनएस कहलाता है, एनएस। मतलब अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड हो रही है, ये कंडीशन अगर आपकी होल्ड हो रही है, ये दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, तो इन दोनों कंडीशन में जो आपका ये निकल के आएगा रोटेशनल, दैट शुड बी नोन एज एनएस, एनएस कहलाएगा, एनएस। क्लियर, एनएस कहलाता एनएस। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज, या डिस्चार्ज को हम ये भी बोल सकते हैं, एरिया जो आपका होगा, डिस्चार्ज को हम ये भी बोल सकते हैं, जो एरिया आपका होगा, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4, किसी भी डायमीटर का आप स्क्वायर लिख दीजिए, और वेलोसिटी क्या होती है, मान लो सपोज अंडर रूट 2gh लिख दीजिए आप, 2gh लिख दीजिए। तो डिस्चार्ज यहां से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायमेंशनली अपन देख रहे हैं डायमीटर स्क्वायर और अंडर रूट एच के। अब देखो अपनी डेफिनेशन में डिस्चार्ज आ रहा है, हेड आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, डायमीटर नहीं आ रहा है, डायमीटर नहीं आ रहा है, और जिसको निकालना है वो भी नहीं आ रहा है, तो रिप्लेस कर देते हैं। देखो वेलोसिटी तो आपकी ये भी होती है पाई डी एन बाई 60, और वेलोसिटी आपकी अंडर रूट 2gh भी होती है, क्लियर, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट इसकी भी होती है। तो यहां से हम इन दोनों को यूज करके ये बोल सकते हैं, डायमेंशनली बैलेंस किया जा रहा है, इनको लिख के हम बोल सकते हैं कि डीएन जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एच के, क्लियर, या डायमीटर जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एच बाई एन के, या डी स्क्वायर जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एच बाई एन स्क्वायर के, क्लियर। और फिर हम क्या करें, इस वैल्यू को इसमें पुट अप कर दें, तो डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल हो जाएगा
एच बाई एन स्क्वायर के और अंडर रूट एच हो जाएगा, या डिस्चार्ज होगा या प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच की पावर 3/2 के एंड डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर के, डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर के, ये निकल के आ गया। चलो अब अपने डेफिनेशन को याद करो। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक कांस्टेंट के लिख देते हैं, एच की पावर 3/2 लिख देते हैं और एन स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया जहां पर के कांस्टेंट है। अब डेफिनेशन अपनी ये है कि हमारा जो है इफ एच इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाए, एच अगर 1 यूनिट हो जाए, क्यू भी अगर हमारा 1 यूनिट हो जाए, तो एन जो होगा वो एन एस कहलाएगा। पुट अप कर दो इस फॉर्मूले में, क्यू 1 यूनिट हो गया, के एच 1 यूनिट हो गया, 3/2 हो गया, एन जो होगा ये एन एस हो जाएगा, तो ये एन एस स्क्वायर बन गया। तो यहां पर एन एस स्क्वायर जो है ये निकल के आ गया के बराबर होगा, या के जो है वो एन एस स्क्वायर के बराबर होगा। इसको बैक पुट अप कर दो, ये अपना हो जाएगा एन एस आई स्क्वायर और एच की पावर जो है वो 3/2 एंड डिवाइडेड बाई जो है एन स्क्वायर। क्लियर? या यहां से जो है अगर मैं वैल्यू लिखूं तो मेरा एन एस स्क्वायर हो जाएगा क्यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच की पावर 3/2। या मैं अगर यहां से एन एस की वैल्यू लिखूं तो पंप के लिए एन एस जो निकल के आता है वो एन अंडर रूट क्यू डिवाइडेड बाई एच की पावर 3/4 ये निकल के आता है। ये वैल्यू निकल के आती है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये निकल के आता है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में थम्स अप ऊपर करो कि ये समझ में आया क्या। अरे ये समझ में आया क्या? आसान बहुत है, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? चलो ये हो जाएगा यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपना जैसे होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है प्राइमिंग, या प्राइमिंग से पहले थोड़ा और बताते हैं। अगर आप सक्शन पाइप को देखोगे तो सक्शन पाइप में नीचे जो है, नीचे अगर आप सक्शन पाइप को देखोगे तो मान लो ये आपका सक्शन पाइप है, मान लो जैसे ये आपका सक्शन पाइप है, तो सक्शन पाइप में यहां नीचे हम प्लेस करते हैं एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर। सक्शन पाइप में यहां एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग स्ट्रेनर बोलते हैं, स्ट्रेनर। सक्शन पाइप में नीचे यहां पर हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग जो है वो स्ट्रेनर बोलते हैं, स्ट्रेनर। जैसे ये सक्शन पाइप है आपका, ये आपका सक्शन पाइप है और ये आपका जो है वो सम्प लेबल है, ये सम्प लेबल है, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रेनर लगा होता है यहां पर, और यहां पर बीच में लगी होती है फोटोस्टेप वॉल्व, बीच में यहां पर लगी होती है फुटस्टेप वॉल्व, जिसको हम नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, या दैट आल्सो नोन एज वन वे वॉल्व। वन वे वॉल्व होती है, वन वे कैसे ये भी मैं बताता हूं, इसको हम वन वे वॉल्व भी बोलते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब आप ग्राउंड से वाटर को लिफ्ट करते हो,
जैसे ग्राउंड से मान लो आपने वाटर को लिफ्ट किया, तो बीच में जो ये स्ट्रेनर लगा होता है, जैसे घरों में देखा होगा बोलते जाली पाइप, क्लियर, घरों में जब हम समर सेवल या ट्यूबवेल करवाते हैं तो हम जाली बोलते हैं, जाली एक 8 से 10 फीट का जो है प्लास्टिक का पाइप यूज करते हैं, जिसके ऊपर जो है वो एल्यूमिनियम की जो है वो एक वो चढ़ा देते हैं, पोरस प्लेट, मतलब एक जाली टाइप की होती है, क्लियर, और उसमें फिर जो है स्ट्रेनर रखा जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेनर का जो फंक्शन होता है वो ये कि ग्राउंड से जब हम वाटर को लिफ्ट करें तो ग्राउंड वाटर में जो भी हमारे हार्मफुल पार्टिकल है, या जैसे डस्ट हो गया, सैंड, बालू वालू बहुत सारा होता है, क्लियर, तो वो हमारा इंपेलर की आई तक रीच ना कर पाए, क्योंकि अगर हमारा इंपेलर तक यानी केसिंग के अंदर रोटर जो रखा होता है वहां तक बालू पहुंच गया तो पूरा केसिंग जो है बालू से भर जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगी, और कंटिन्यूअस अगर बालू आता जाएगा तो इंपेलर का ब्लेड जो है वो रफ होता जाएगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा डेवलप होगा, क्लियर, तो सर्विस लाइफ भी उसकी जो है वो कम हो जाएगी। तो स्ट्रेनर का जो मेन पर्पज होता है वो ये कि जो सैंड या डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं उनको अवॉइड करना, उनको रिस्ट्रिक्ट करना कि वो हमारे इंपेलर के आई तक ना पहुंच पाए, क्लियर। तो अपन ऐसे बोलते हैं कि द हाइड्रोलिक फंक्शन ऑफ स्ट्रेनर टू रेजिस्ट द डस्ट और सैंड पार्टिकल टू रीच अप टू द आई ऑफ द इंपेलर, उनको आई ऑफ द इंपेलर तक रीच करने के लिए रोक के रखना, रेजिस्ट करना, पहला। दूसरा, जो ये फुट स्टेप वॉल्व होती है, आपने देखा होगा घरों में एक वॉल्व बोली जाती है, वॉल्व लगाई जाती है, क्लियर, तो वॉल्व का बेसिक पर्पज क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये वॉल्व जो होती है, जैसे ये प्लेट है, क्लियर, एक आपका सिलेंड्रिकल पाइप है उसमें ये प्लेट है, जैसे सर्कुलर टाइप की प्लेट है, तो ये एक पॉइंट पे क्या होती है, हिंज होती है, ये ऐसे हिंज होती है, और ये हिंज के अबाउट क्या कर सकती है, ऑक्सीलेट कर सकती है। तो होता क्या है, जैसे हम अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑन करते हैं तो अंदर जो वाटर भरा होता है ना केसिंग के अंदर, जो हम भरते हैं पहले से, जिसको हम प्राइमिंग बोलते हैं, अभी वही करने जा रहे हैं, तो जो हम वाटर भरते हैं वो वेन उठा के बाहर फेंक देती है। जब वेन उस वाटर को कंटिन्यूअसली बाहर फेंकती रहती है, रिजल्ट करती रहती है, यानी उसको जब रेडियली आउटवर्ड डिस्प्लेस करती है, तो वेन के इनलेट पे यानी आई ऑफ द इंपेलर पे जो है वो वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, यानी सक्शन पाइप के इनलेट पे वैक्यूम डेवलप होने लगता है। वैक्यूम देखो, मास वहां से डिस्प्लेस होगा तो मास की कमी होगी, और मास की कमी होगी तो वहां वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा, क्लियर, वैक्यूम क्रिएट होता है, और जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है तो प्लेट के एक साइड जो है वैक्यूम लगता है, वैक्यूम प्रेशर यानी लो प्रेशर कंडीशन आती है, और जबकि प्लेट के बॉटम साइड यानी अदर साइड जो है वो हाई प्रेशर कंडीशन होती है, या एटीएम मान सकते हो। तो इस प्लेट पे जो है एक ऊपर की तरफ प्रेशर फोर्स लगता है, इधर टॉप पे लो प्रेशर, बॉटम में हाई प्रेशर, तो प्लेट पे एक फोर्स लगेगा और ये प्लेट जो है वो रोटेट हो जाएगी, ऐसे रोटेट हो जाती है, प्लेट ओपन हो जाती है और वाटर लिफ्ट होना शुरू हो जाता है, वाटर लिफ्ट होता रहता है। लेकिन होता क्या है, जब हम अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप को बंद करते हैं तो जो फुट स्टेप मतलब जो वॉल से ऊपर जो पाइप में वाटर होता है ना, या केसिंग में जो पानी भरा होता है, वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो नीचे फॉल हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी तो केसिंग पूरी फिर से पानी से खाली हो जाएगी। अब मान लो 5 मिनट के लिए आपने अपने ट्यूबवेल या इंजन को बंद किया, सेंट्रीफ्यूगल पंप को, और वाटर फिर नीचे गिर गया, फिर आप उसको पानी भरो और फिर चलाओ, क्लियर, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे वाटर नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है ग्रेविटी की वजह से, ये प्लेट फटाक से बंद हो जाती है, ये प्लेट जो है वो बंद हो जाती है और वाटर को रेजिस्ट कर देती है टू फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाटर को नीचे की तरफ फॉल करने के लिए वो रोक देती है, रोक देती है, यानी कि वाटर को फॉल नहीं होने देती है, क्लियर। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये वॉल्व जो है वो वन वे वॉल्व होती है, ये नॉन रिटर्निंग वॉल्व होती है, वाटर लिफ्ट तो करता है लेकिन डाउनफॉल नहीं कर पाता है। तो जो हाइड्रोलिक फंक्शन होता है इस फुट स्टेप वॉल्व का वो ये कि ये वॉल्व जो है वाटर को रेजिस्ट करती है फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन आवर सेंट्रीफ्यूगल पंप इंजन और मशीन इज नॉट ऑपरेशनल, जब वो ऑपरेशनल नहीं होती है तो उस कंडीशन में ये वाटर को नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से फॉल करने से रोकता है, मतलब जाने नहीं देता है, पहला। दूसरा, आपने देखा होगा कि इंजन को चलाने से पहले हम लोग उसकी वाटर की फिलिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमिंग मेथड, प्राइमिंग बोलते हैं, प्राइमिंग। अब प्राइमिंग होता क्या है और क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। मान लो अगर हम बात करें प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप या प्राइमिंग इन पंप,
क्लियर। प्राइमिंग एंड पंप की अगर हम बात करें तो प्राइमिंग क्या होता है, देखो अगर हमारी केसिंग में ब्लेड के सरफेस पे एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड हो तो क्या होगा, आपने रोटर से जो पावर दी, जो पावर रोटर से दी और इंपेलर पावर जो डेवलप हुई फ्लूइड में, वो क्या डेवलप होगी, एम डॉट वी डब्ल्यू टू। इंपेलर पावर अगर हम आपसे पूछे वी डब्ल्यू टू यू टू डेवलप होगी, क्लियर, ये वॉट में पावर डेवलप होगी। और यही पावर जो है इसी का कुछ पोर्शन जो है वो फ्लूइड में ऐड होगा, यानी इसी के करेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, मैनो मिलेगा, मैनो मिलेगा इसी के करेस्पॉन्डिंग आपको। अब देखो यहां पर अगर हमारा जैसे मान लो इफ एयर एज अ फ्लूइड, एयर एज ए फ्लूइड अगर हो जाए, मान लो एयर एज अ फ्लूइड यहां पर हो जाए तो होगा क्या कि डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्चार्ज हो जाएगा, ये होगा ना, एंड बाकी जो आ रहा है वो आएगा। और अगर हमारा वाटर हो, इफ वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड, वाटर एज ए फ्लूइड, अगर हमारा वाटर एज ए फ्लूइड बन जाए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब रो ऑफ वाटर आएगा मल्टीप्लाइड बाई क्यू होगा और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा। आप यहां आइडिया लगा सकते हो कि जो लिफ्टिंग पावर पंप में डेवलप हो रही है, अगर वाटर होगा तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1000 टाइम्स जो है डेंसिटी ऑफ एयर के होता है, यानी इसमें जो आईपी डेवलप होगा, इंपेलर पावर जो डेवलप होगा वाटर का, ये इंपेलर पावर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स जो है, 1000 टाइम्स जो है वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू एयर, 1000 टाइम एयर। यानी अगर हमारा केसिंग में एयर लीक कर जाए या एयर हो, हम प्राइमिंग ना करें, अपने पंप को ऐसे चला दें, तो 1000 टाइम लिफ्टिंग पावर कम डेवलप होगी या पावर आपकी फ्लूइड में कम ऐड होगी, इंपेलर पावर 1000 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। अगर वहीं पर वाटर हो तो 1000 टाइम जो है वो एयर के कंपैरिजन में पावर बढ़ जाएगी। इसीलिए देखा होगा कहीं से भी हम एयर लीकेज नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप चल रहा है या आपका कोई मशीन चल रहा है मान लो, और सडनली कहीं पर एयर का लीकेज हो जाए, वो तुरंत इमीडिएटली पानी को छोड़ देता है, फिर हम लीकेज चेक करते हैं लीकेज कहां पर है, फिर प्लास्टिक की स्ट्रिप उस पे रबर की स्ट्रिप हम लोग उस पे बांधते हैं, टायर की जो बनाते हैं उसको बांधते हैं, मिट्टी लगाते हैं, पानी के अंदर रख देते हैं, काऊ डंग लगा, बहुत सारी चीजें हम लोग अपन करते हैं टू अवॉइड द लीकेज ऑफ द एयर। एयर का लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एयर का लीकेज आया आपकी पावर लिफ्टिंग सडनली जो है वो फैक्टर से रिड्यूस होने वाली है, वो लिफ्टिंग पावर नहीं रहेगी जो वाटर के साथ है, और अगर वो लिफ्टिंग पावर डेवलप नहीं हो पाई तो सेंट्रीफ्यूगल नो मोर ऑपरेशनल, सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेशनल नहीं रह जाएगा, वो वाटर को छोड़ देगा, वाटर नीचे फॉल कर जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, वाटर प्रॉपर तरीके से लिफ्ट नहीं कर पाएगा। बोलो ये समझ में आता है प्राइमिंग? इसीलिए प्राइमिंग में हम क्या करते हैं, पहले से ही केसिंग में वाटर को भर देते हैं और इंश्योर हो जाते हैं कि कहीं केसिंग या ब्लेड या बकेट पे एयर का लीकेज तो नहीं है, अगर लीकेज होगा तो पंप चलेगा नहीं। क्लियर? तो पहले से हम पूरा उसे वाटर टाइट कर, मतलब एयर टाइट कर देते हैं, वाटर पूरा भर देते हैं केसिंग में। अब जल्दी से मुझे यह बताओ प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया या कुछ पूछना है यहां पर? प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये यहां पर कुछ आपको पूछना है और थोड़ा कमेंट सेक्शन में बोलना सीखो फटाफट, टाइप ही तो करना रहता है। यस टाइप कर लो, बार बार चिपकाते रहो कमेंट सेक्शन में, यस टाइप कर लो और कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो मतलब उसको बार बार चिपका दो। बिल्कुल प्रभाकर, यहां तक हो जाएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है मॉडल टू प्रोटोटाइप एनालिसिस इन पंप। मॉडल टू प्रोटोटाइप रिलेशन जो होते हैं पंप में, मॉडल टू प्रोटोटाइप रिलेशन इन पंप, मॉडल टू प्रोटोटाइप रिलेशनशिप इन पंप।
मॉडल टू प्रोटोटाइप, रिलेशनशिप एंड पंप। अब देखो पहला रिलेशन जो होता है वो ये कि एनएस हमारा मॉडल के लिए जो होता है वही हमारा एनएस जो है वो प्रोटोटाइप के लिए भी होता है। क्लियर, मॉडल प्रोटोटाइप बराबर होता है। तो यहां से जब आप लिखोगे तो एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4 डेट फॉर मॉडल इज इक्वल टू एन रूट क्यू एच की पावर 3/4 एंड डेट फॉर अ प्रोटोटाइप। ये पहला रिलेशन हो जाता है। दूसरा रिलेशन होता है, सेकेंड जो रिलेशन होता है वो अपना ये डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच के होता है। तो डी एन बाय रूट ऑफ एच ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहां पर जब आप लिखोगे तो क्या निकल के आएगा कि डी एन बाय रूट एच डेट फॉर मॉडल इज इक्वल टू डी एन बाय रूट ऑफ एच डेट फॉर प्रोटोटाइप। ये सेकंड रिलेशन होता है। हाँ, न्यूमेरिकल यार करवाएंगे रोशन। थर्ड हमारा क्या होता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायमीटर का स्क्वायर अंडर रूट एच के। और अंडर रूट एच को यहां से रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर। अंडर रूट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी एन के, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी क्यू एन के। अरे ये डी एन जो है अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये कहा, ये एन एस में ये देखो डी एन जो है वो अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है। डी एन जो है वो अंडर रूट एच के जो है वो प्रोपोर्शनल है। डी एन जो होता है वो अंडर रूट एच के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एच के। तो यहां पर ये लिख सकते हैं। अब देखो यहां से जो है q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट d क्यूब n हो जाएगा। अब कांस्टेंट जो है वो मॉडल टू प्रोटोटाइप के लिए सेम होगा, यानी q डिवाइडेड बाय d क्यूब n एंड डेट फॉर मॉडल इज इक्वल टू q बाय d क्यूब n एंड डेट फॉर अ प्रोटोटाइप डेट फॉर प्रोटोटाइप। ये आपका जो है थर्ड रिलेशन हो जाएगा। फोर्थ रिलेशन हो जाता है, फोर्थ रिलेशन क्या होता है, फोर्थ होता है दोस्त पावर जो होती है वो क्यू के प्रोपोर्शनल होती है और एच के, एमजीएच होता है ना, एमजीएच। क्लियर, या पावर प्रोपोर्शनल क्यू यानी कि डी क्यूब एन और अंडर रूट एच यानी कि डी एन, डी एन का स्क्वायर हो जाएगा, एच है ना डी एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगी डी के पावर 5 एन का क्यूब। क्लियर, डी का क्यूब एन, डी की पावर 5 एन का क्यूब। फिर से यहां पर पावर अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट के डी के पावर 5 एन क्यूब हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट मॉडल टू प्रोटोटाइप के लिए सेम रहेगा, ये कांस्टेंट मॉडल टू प्रोटोटाइप के लिए सेम रहेगा। तो यहां से जो है p डिवाइडेड बाय d के पावर 5 n का क्यूब डेट फॉर मॉडल इज इक्वल टू p d के पावर 5 n क्यूब एंड डेट फॉर अ प्रोटोटाइप। ये आपका जो है फोर्थ रिलेशन जो है वो निकल आता है, ये आपका जो है वो फोर्थ रिलेशन निकल आएगा। फोर्थ रिलेशन यहां से आ जाएगा फोर्थ। क्लियर, तो ये चारों रिलेशन जो है मॉडल टू प्रोटोटाइप के अपने को यूज करते हुए चलना है। ये चारों रिलेशन होते हैं मॉडल टू प्रोटोटाइप के जो अपने को जो है वो यूज करते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कॉम्बिनेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, कॉम्बिनेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कॉम्बिनेशन क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो अपने को देखने हैं।
तो पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम सक्शन हाइट, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट एक पहला आपका पंप है कोई, ये कोई पंप है, तो ये जहां पर डिलीवर्ड करता है वहां से दूसरा पंप अटैच कर देते हैं और दूसरे पंप को डिलीवरी पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और ये सम्प होता है, ये आपका सम्प हो गया और ये आपका जो है वो डिलीवरी पॉइंट हो गया। ये डिलीवरी पॉइंट हो गया, ये आपका सम्प हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होता है कि एक पंप से हमने कुछ हाइट को रेज किया फिर दूसरे से, तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो हेड होता है वो बढ़ जाता है, यानी हेड जो है ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड। और दूसरा जो हमारा डिस्चार्ज होता है क्यू, डिस्चार्ज जो होता है ये आपका सेम रहता है, डिस्चार्ज आपका सेम है, मतलब यहां पर अगर क्यू किया है तो यहां पर जो है क्यू ही आपका डिलीवर्ड होगा, क्लियर, क्यू ही आपका जो है वो डिलीवर्ड होने वाला है, क्यू जो है क्यू ही आपका जो है वो डिलीवर्ड होगा। तो यहां पर जो है डिस्चार्ज आपका सेम रहेगा, क्यू जो है ये आपका सेम रहता है और एच जो है ये आपका बढ़ जाता है, अगर हम बात करें अ सीरीज अ कॉम्बिनेशन की, ये इंक्रीजेस। दूसरा होता है आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड होता है आपका पैरेलल अ कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, क्लियर, तो पैरेलल में होता क्या है, जैसे ये मान लो आपका जो है वो डिलीवरी लेवल है और ये मान लो आपका जो है वो सक्शन है, जहां से हम सक्शन कर रहे हैं, तो ये आपका सक्शन या सम्प लेवल हम बोल सकते हैं, बिल्कुल रोशन, बिल्कुल। तो ये हमारा जो है मान लो ये सम्प लेवल है, ये जो है ये सम्प लेवल है और ये अपना जो है वो डिलीवरी अलेबल है, ये डिलीवरी लेवल है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ पंप को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ये पहला पंप हमने लगा दिया यहां पर, ये अपना पहला पंप हो गया, मान लो डेट शुड बी अ पंप वन, क्लियर। और इस पंप से क्या हो रहा है कि मान लो यहां पर क्यू वन डिस्चार्ज लेफ्ट हो रहा है, क्यू वन यहां पर डिलीवर्ड हो रहा है, सेकेंड आपका ये हो जाता है, सेकेंड आपका ये पंप हो जाता है सेकेंड ये हो जाता है, थर्ड फिर आपका ये हो जाएगा, थर्ड आपका ये हो जाएगा एंड फिर सो ऑन, ठीक है। तो ये अपना जो है वो पंप टू हो जाएगा, ये अपना जो है वो पंप थ्री हो जाएगा। यहां पर डिस्चार्ज जो लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है ये क्यू टू हो गया, यहां जो डिस्चार्ज लेफ्ट हो रहा है ये क्यू थ्री हो गया, यानी यहां पर आपका क्यू टू डिस्चार्ज हो गया, ये क्यू थ्री हो गया एंड सो ऑन, आगे ये आपका बढ़ जाता है। तो यहां पर जो टोटल डिस्चार्ज आपका होगा, टोटल ये वैल्यू जो है ये आपकी हो जाएगी क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड सो ऑन, यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो डिस्चार्ज होता है ये बढ़ जाता है
डिस्चार्ज जो होता है ये बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है, डिस्चार्ज जो है ये बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। और सेकंड जो आपका हेड होता है एच, ये सेम रहता है, एच जो होता है ये आपका सेम रहता है, क्लियर? एच जो है ये सेम रहेगा, बिल्कुल। तो पैरेलल एंड सीरीज, ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग यहां पर यूज करते हैं। चलिए अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक आपका और बचा हुआ है, अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, मैक्सिमम सक्शन हाइट एंड एनपीएसएच। तो मैक्सिमम सक्शन हाइट और एनपीएसएच मैंने इसी चैनल पे करवा रखा है, काफी डिटेल में करवाया, डेढ़ घंटे के आसपास, तो वो वाला आप एक बार देख लीजिएगा, सेशन जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्लियर? और बाकी मैंने सेंट्रीफ्यूगल के रिगार्डिंग जो भी थ्योरी थी वो मैंने पूरी करवा दी है, एक बार आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो अभी जो टर्बाइन का हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, मतलब हाइड्रोलिक्स मशीन की, तीन साढ़े तीन चार घंटे की, उसमें आधे घंटे 45 मिनट जो है वो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, क्लियर? एक बार आप जो है वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, एक बार आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, तो जो भी क्वेश्चन आपके होंगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही होगी, वो हम लोग क्वेश्चन वहां पर जो है वो देख लेंगे, क्लियर? क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम लोग वहां पर जो है वो सॉल्व कर लेंगे, क्लियर? चलिए तो आज के फिर सेशन को जो है वो हम लोग यहीं पर रोकते हैं, आज के इस पर्टिकुलर सेशन को जो है फिर हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्लियर? आज के सेशन को फिर हम यहीं पर रोकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ रोशन, एक बार न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा, अभी दो या तीन दिन में टर्बाइन की क्लास लेंगे, मैराथन, तो उसमें करवा देंगे, मैराथन क्लास लेंगे दो तीन दिन में, उसमें करवा देंगे, दो तीन न्यूमेरिकल हैं तो वो करवा दूंगा मैं, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि देखो आज अभी थोड़ा पढ़ लीजिए, अदरवाइज आज ही करवाएंगे, थोड़ा हिट नहीं करेंगे क्वेश्चन, तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, फिर मैं करवा दूंगा, चार पांच छह क्वेश्चन है कराने के लिए। चलिए तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेरा रेफरल कोड है फॉर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एज वेल एज टू अनलॉक द स्पेशल फ्री क्लासेस, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए ओके, अगेन लेट्स से क्रैक गेट एन एससी ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके थैंक यू।